सुपर चोर एपिसोड 39 और 40। एडेन ने ग्रे को कठोरता से देखा और उसे पता चल गया कि वह मजाक नहीं कर रही थी। उसकी पहले से ही एक भयानक प्रतिष्ठा है और यहां तक कि कुछ महिला केमिस्टों द्वारा उसे रिपोर्ट करने के बाद फ्लेम पहले से चेतावनी भी मिली थी। अब अगर ग्रे एक फ्लेम कैप्टन उसे सीधे क्राफ्ट एल्डर को रिपोर्ट करता है तो वह अपना पद खो देगा और उसे सजा भी मिल सकती है। वह ग्रे को कम नहीं आंक सकता क्योंकि वह लैन की रक्षकों में से एक थी। हाँ, मैं बस एक पल के लिए उलझन में था। फ्लेम कैप्टन ग्रे को इतना गंभीर होने की जरूरत नहीं थी, मैं माफी मांगता हूँ। एडेन ने अपने चेहरे पर एक मजबूर मुस्कान थी क्योंकि उसने माफी मांगी और आखिरकार फिन को एक बदसूरत मुस्कान के साथ देखा। सम्मानित अतिथि, कृपया नंबर 51 बुकशेल्फ पर जाएं, ये VIP के लिए है। बस बुकशेल्फ पर उत्कीर्ण सरणी में अपना पहचान टोकन रखें और आप तैयार है। यदि आप ऊपरी मंजिलों पर जाना चाहते हैं तो कृपया हमेशा वहां अंतिम नंबर बुकशेल्फ की तलाश करें और इसे सुरक्षित रखने वाली सरणी को अनलॉक करने के लिए भी ऐसा ही करें। लेकिन कृपया ध्यान रखें, आप किसी अन्य पुस्तक शेल्फ को नहीं छू सकते, अन्यथा आपको भयंकर प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। सबसे खराब स्थिति में यह आपको मार भी सकता है। केवल एक बुकशेल्फ, फिन ने ग्रे को है रान करने वाली नजर से देखा। उसे अच्छी तरह याद था कि 26वीं मंजिल से नीचे की हर चीज तक उसकी पहुंच है, लेकिन अब एडेन उसे बता रहा था कि वह प्रत्येक मंजिल पर केवल एक ही बुकशेल्फ को खोल सकता है, तो वह कैसे शुरू नहीं हो सकता था। ग्रे को पता था कि फिन की नजर का क्या मतलब है क्योंकि उसने उसका VIP टोकन देखा था। लाइब्रेरियन एडेन को इस VIP सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उस पर नजर रखूंगा, बस हमारी प्रविष्टि दर्ज करें। ग्रे ने एडेन को फिन के विशेष विशेषाधिकार के बारे में नहीं बताया और उसे केवल लाइब्रेरियन के रूप में ये कर्तव्य निभाने के लिए कहा। एडेन आश्चर्यचकित था और इस बार उसने फिन को गहराई से देखा। जब उसे पता चला कि वह सिर्फ 5वां एनर्जी गेट जूनियर था तो उसे झटका लगा और गुलाम वस्तु को देखकर उसकी आंखों में अविश्वास भर गया। एक गुलाम VIP, एडेन ने है रानी से सोचा। यह विश्वास करना कठिन था कि एक गुलाम के पास VIP टोकन था और उसे एक फ्लेम कैप्टन द्वारा संरक्षित भी किया जा रहा था। कृपया अपना टोकन यहाँ रखें, एडेन ने काउंटर की ओर इशारा किया जहाँ 3 अलग अलग आकार के भूसे रखे हुए थे और प्रत्येक पर एक पंक्ति उकेरी गई थी। हालांकि वह फिन के बारे में जानने को उत्सुक था, लेकिन वह ये भी जानता था कि ग्रे उसे कभी नहीं बताएगा। अंत में वह उस किताब में अधिक रुचि रखता था जिसे वह पहले पढ़ रहा था, इसलिए उसने बस इसे खत्म कर दिया। ग्रे ने अपने चांदी के टोकन को भूसी में रख दिया जिसका आकार उसके पहचान टोकन के समान था। सरनी चमक उठी और एक पल के बाद पहचान टोकन चमकना बंद हो गया, जिसका मतलब था कि यह हो गया था। एस ने वैसा ही किया, उसने अपना VIP टोकन तीसरे भूसे में रखा और जब एरे ने उसका प्रवेश दर्ज कर लिया तो उसने टोकन वापस ले लिया। जब एडेन ने फिन के हाथ में गोल्डन VIP टोकन देखा तो उसकी आंखों में अविश्वास की चमक आ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ग्रे एडेन के आसपास कहीं भी रुकना नहीं चाहता था और उसे सीधे दूसरी मंजिल पर ले गया क्योंकि पहली मंजिल पर कुछ भी अच्छा नहीं था। एडेन ने उन्हें दूसरी मंजिल पर जाते हुए देखा और दबी जुबान में बुदबुदाया, एक गुलाम जिसके हाथ में कीमती सुनहरा VIP टोकन है और उसकी गाइड भी वही घमंडी महिला है, आखिर क्या हो रहा है। उसने अपना सिर हिलाया क्योंकि इसका उससे कोई संबंध नहीं था और चेहरे पर एक कामुक मुस्कान के साथ उसने उस पुस्तक को फिर से पढ़ा। उसने ऐसा क्यों कहा कि मैं केवल एक विशिष्ट बुकशेल्फ तक ही पहुंच सकता हूं, एस ने फिर पूछा। उस समय तो उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि ग्रे यह बात एडेन से छिपाना चाहता था, लेकिन अब जब वे दूसरी मंजिल पर थे तो उसने फिर से पूछताछ की। ग्रे ने इस बार उत्तर दिया, आपका टोकन विशेष रूप से क्राफ्ट एल्डर लैन के आदेश पर बनाया गया है और यह एक तरह का है। आमतौर पर एक गोल्डन VIP टोकन खरीदा या बनाया नहीं जा सकता है और केवल सिल्वर और कांस्य VIP टोकन ही मौजूद है। उनके पास बहुत सीमित कार्य है, जैसे कि लाइब्रेरी की केवल पहली 2 मंजिलों तक पहुंच। सर ब्लैक फॉक्स गोल्डन टोकन 100 साल में पहला है। यहां तक कि एक गोल्डन टोकन भी आपको केवल सती जानकारी तक पहुंच प्रदान कर सकता है और आप केवल सबसे सामान्य कौशल या तकनीक ही खरीद सकते हैं और इसमें केवल 5 कार्य है, लेकिन सर ब्लैक फॉक्स गोल्डन टोकन में 7 है और यह आपको यहाँ हर चीज तक मुफ्त पहुंच प्रदान कर सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये लाभ केवल पर्पल ग्रेड अल्केमिस्ट को ही दिया जा सकता है। एस इस जानकारी से चकित था, उसने सोचा नहीं था कि ये सुनहरे टोकन इतने खास थे और उसे एक अनोखा टोकन मिला भी। अगली बार जब आप एल्डर लैंड से मिले तो कृपया उन्हें मेरी ओर से हार्दिक धन्यवाद दें, उन्होंने ग्रे से कहा। जरूर, ग्रे ने सिर हिलाया और पूछा, सर ब्लैक फॉक्स कहाँ जाना चाहते हैं? मैं उंगली के कौशल को देखना चाहता हूँ, उंगली प्रकार, ग्रे ने एक पल के लिए सोचा और उसकी आंखें चमक उठी। कृपया मेरे पीछे आओ, मैं जानती हूँ कि सभी शारीरिक कौशल कहाँ संग्रहित है। एस ने सिर हिलाया और ग्रे के पीछे पीछे ऊपरी मंजिलों की ओर चल पड़ा। वह देख सकता था कि हर मंजिल लगभग एक जैसी थी, लेकिन जैसे जैसे वे सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे लोगों की संख्या कम होती जा रही थी।
वे बिनारू के 10 मंजिलें पार कर लेते हैं और एस को आखिरकार 11वीं मंजिल के प्रवेश द्वार पर एक बदलाव दिखाई देता है। एक प्रकाश अवरोधक उनका रास्ता रोक रहा था। वहां वही पहचान पहचान वाली सरनिया थी जो उसने एडेन के काउंटर पर देखी थी। जब उन्होंने अपना टोकन भूसी में दबाया तो प्रकाश अवरोध हट गया और वे 11वीं मंजिल में प्रवेश कर गए। ये भी निचली मंजिलों जैसा ही था, लेकिन किताबों की अलमारियां निचली मंजिलों की तुलना में आधी ही थीं। उन्होंने फर्श के दूसरे आधे हिस्से को विभाजित करने वाला एक पारदर्शी प्रकाश अवरोध भी देखा और दूसरी ओर 10 काली किताबों की अलमारियां थीं। ये प्रतिबंधित क्षेत्र केवल आत्मा साधकों के लिए है, ग्रे ने परिचय दिया। एस की आंखें इच्छा से चमकती है क्योंकि वह हमेशा से ही आत्मा पथ कौशल पर अपना हाथ रखना चाहता था। इस संक्षिप्त ठहराव के बाद उन्हें हर मंजिल पर इस तरह का प्रतिबंध और आत्मा पथ के लिए एक प्रतिबंधित क्षेत्र मिला। वे दोनों अंततः 17वीं मंजिल पर रुक गए। पारदर्शी प्रकाश अवरोध के पीछे 20 बड़ी किताबों की अलमारियां और 8 काली किताबों की अलमारियां थीं। इस मंजिल पर केवल 6 केमिस्ट थे और पहली बार एस ने प्रकाश अवरोध के पीछे किसी को देखा। एक आत्मा साधक, एस की आंखें सिकुड़ गईं। वह महसूस कर सकता था कि इस मंजिल पर माहौल भारी था और वे तीनों केमिस्ट उस एक व्यक्ति की वजह से परेशान थे। उस आकृति को देखकर ग्रे आंखें भी सिकुड़ गईं। उसने सिसकारी भरी आवाज में कहा, घूरना मत, जब तक हम अपने काम से काम रखते हैं तब तक सब ठीक है। कौशल यहाँ है, एस ने पूछा। हाँ, ये शारीरिक कौशल के लिए विशिष्ट मंजिल है, लेकिन यहाँ सभी कौशल कम से कम एक निम्न श्रेणी के योद्धा के लिए है। सर ब्लैक फॉक्स साधना के साथ उन्हें पढ़ना असंभव है, इसलिए बस मुझे जो भी आप चाहते हैं उसे बताएं और मैं इसे आपके लिए कॉपी कर सकता हूँ। एक बार जब आप एनर्जी फाउंडेशन बिल्डिंग क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो आप उन्हें आसानी से सीख सकते हैं, ग्रे ने कहा। एस को इन प्रतिबंधों के बारे में पता था, लेकिन उसकी स्वर्गीय साधना के कारण ये प्रतिबंध उस पर लागू नहीं होते थे। आप थोड़ी देर आराम कर सकते हैं, मैं अपनी जरूरत का कौशल चुनने के बाद आपको फोन करूंगा। फिन ने सिर हिलाया और उन किताबों की अलमारियों की ओर बढ़ गया। ग्रे भी उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन अंत में वह राजी हो गया क्योंकि वह अकेले ही चयन करना चाहता था। अगर एस चाहता तो वह बिना किसी प्रतिबंध के इन कौशलों को पढ़ने की अपनी क्षमता दिखा सकता था, क्योंकि एल्विन और लैन जानते हैं कि वह तत्व स्नान के बाद ऐसा कर सकता है, लेकिन ये ग्रे को भी इसमें घसीट लेगा और यह एल्विन के आदेश से भी मेल नहीं खाता था। इसके अलावा वह यहाँ से कुछ भी नहीं ले जाएगा, वह अपनी जरूरत की हर चीज याद रखेगा और यहाँ से चला जाएगा। यदि कोई और समय होता तो वह हर मंजिल पर जाकर वह सब कुछ पढ़ना पसंद करता जो वह पढ़ सकता था, लेकिन स्वर्ण टोकन के महत्व को जानने के बाद और यह भी कि यह बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करेगा, उसने यह विचार त्याग दिया। हालांकि ये पुस्तकालय अब आत्मा पथ कौशल और तकनीकों के कारण चोरी की सूची में था। एस ध्यान से पहली बुकशेल्फ को देख रहा था। वह अलग अलग रंग की पुरानी किताबों से भरी हुई थी। चाहे वह कौशल हो या तकनीक, उनके नाम किताबों की रीढ़ पर अंकित थे। उन्हें पहली शेल्फ पर कोई उंगली आधारित कौशल नहीं मिला और वे अगली शेल्फ पर चले गए। ग्रेफिन की हरकतों पर नजर रख रहा था, साथ ही प्रतिबंधित क्षेत्र में बैठे उस व्यक्ति पर भी नजर रख रहा था। जहां तक उन 6 नीले रंग के केमिस्टों की बात है तो वे ज्यादा मूल्यवान नहीं थे। आधा घंटा बीत गया और एस ने पहले ही 8 बुकशेल्फ चेक कर लिए थे और फिर भी उसे एक भी उंगली आधारित कौशल नहीं मिला। ज्यादातर कौशल मुट्ठी, पैर या हथेली के आधार के लिए थे। उसके पास पहले से ही उनके चोर के स्थान पर उनमें से कुछ थे और यहां तक कि उनके पास मास्टर ग्रेड कौशल भी था, इसलिए उन्हें उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। 16वीं किताबों की अलमारी पर एस को अंततः कुछ नजर आया, स्टोन शैटर फिंगर। एस ने हरी किताब की ओर देखा और उसकी आंखों में खुशी के भाव थे। ये पहली उंगली का हुनर था जो उसे 1 घंटे की खोज के बाद मिला था। उसने चारों ओर देखा और पाया कि वह उन बड़ी किताबों की अलमारियों के पीछे पूरी तरह से छिपा हुआ था और उसने पुस्तक कंटेनर के नीचे एक सरणी उत्कीर्ण पर अपना VIP टोकन घुमाया। रोशनी की एक चमक के बाद किताब के चारों ओर की बाधा हट गई और उसने जल्दी से किताब पकड़ ली। वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था और बिजली की गति से स्टोन शैटर फिंगर की सामग्री को याद कर रहा था। एस को अपनी स्मरण क्षमता पर पूरा भरोसा है, यहां तक कि साधना करने से पहले भी वह आसानी से सब कुछ याद रख सकता है, और साधना इस क्षमता को और भी अधिक परिपूर्ण बनाती है। आपको ये जानना होगा कि शक्तिशाली साधक भी पहली नज़र में कौशल याद नहीं रख सकते हैं, और केवल साधना के बहुत उच्च स्तर पर ही फोटोग्राफिक मेमोरी प्राप्त की जा सकती है। लेकिन एस के पास ये तब से है जब उसने साधना शुरू भी नहीं की थी। 5 मिनट में उस कौशल पुस्तक में लिखा हर एक अक्षर उसके दिमाग में था और अब वह उसे शब्दशः सुना सकता है। उसने जल्दी से पुस्तक वापस रख दी और प्रकाश अवरोध फिर से प्रकट हुआ, जिसने पुस्तक कंटेनर को बंद कर दिया। एस दूसरे शेल्फ पर चले गए क्योंकि वहां कोई उंगली प्रकार का कौशल नहीं था। ग्रे ने देखा कि फिन फिर से खाली हाथ आया है। वह इतने समय से इंतजार कर रही थी और उसे अभी भी कोई उपयुक्त कौशल नहीं मिला था। उंगली आधारित कौशल वास्तव में दुर्लभ है, क्योंकि जब शारीरिक प्रकार के कौशल की बात आती है
तो वे सबसे कमजोर होते हैं और आजकल कोई भी उन्हें सीखने की जहमत नहीं उठाता। मुझे आश्चर्य है कि वह उन्हें क्यों सीखना चाहता था। ग्रे ने सोचा। एस को दो और कौशल मिले, एक था स्टार फिंगर, उसे यह 21वीं बुकशेल्फ पर मिला, जबकि उसे मेटालिक फिंगर 24वीं बुकशेल्फ पर मिला। उसने स्वाभाविक रूप से उन्हें याद कर लिया। अब सिर्फ 25वीं बुकशेल्फ बची है और उसे एक और फिंगर बेस स्किल मिलने की उम्मीद नहीं थी। अब उसे कुछ हद तक अंदाजा है कि सैकड़ों किताबों के बीच सिर्फ 3 ही मिलने के बाद इस तरह के कौशल दुर्लभ थे और ये लाइब्रेरी भी कोई साधारण लाइब्रेरी नहीं थी। एस उन कौशल पुस्तकों को एक एक करके देखता है और जैसे ही उसे लगा कि उसे कोई और उंगली आधारित कौशल नहीं मिला, वह मुड़ने ही वाला था कि उसकी नज़र एक फटी हुई धूल भरी कवा वाली किताब पर पड़ी। ये किताब बिल्कुल आखिरी किताब के डिब्बे में थी। एस का ध्यान जिस बात ने आकर्षित किया वह ये था कि प्रत्येक पुस्तक अच्छी स्थिति में थी, उसका नाम और अन्य सभी चीजें सही सलामत थीं, लेकिन इस पुस्तक पर कोई विवरण नहीं था, जबकि इसका आवरण फटा हुआ और धूल से भरा हुआ था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस पुस्तक कंटेनर की सुरक्षा के लिए कोई अवरोध नहीं था। इस पुस्तक की सुरक्षा के लिए कोई अवरोध न होने के बावजूद भी यह वहां धूल खा रही थी। इससे ये भी पता चलता है कि किसी ने इसे छुआ तक नहीं था। इससे एस की दिलचस्पी बढ़ गई और वह धूल भरी किताब की ओर चला गया। उसने लापरवाही से किताब को पकड़ लिया और जैसे ही उसने उसे छुआ, धूल बिखरने लगी। एस ने धूल उड़ाकर पहला पन्ना खोला तो उस पर केवल एक लाइन लिखी थी, जीवन जाल। एस ने पृष्ठ पलटा और उस पर एक मानव शरीर बना हुआ था जिस पर एक जटिल मेरिडियन चैनल संरचना थी। दूसरी तरफ एक एक्यूपंक्चर पॉइंट नामक किसी चीज का बहुत ही जटिल वर्णन था जो मानव शरीर के भीतर मेरिडियन चैनलों से गहराई से जुड़ा हुआ था। एस इस बात से इसलिए रोमांचित था क्योंकि उसने पहले कभी एक्यूपंक्चर बिंदुओं के बारे में नहीं सुना था और न ही यह कि ये एक्यूपंक्चर बिंदु मानव शरीर को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह कोई कौशल नहीं था, ये पुस्तक मानव शरीर के रहस्यों जैसे कि इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं या एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर थी। अगर इस पुस्तक में लिखी गई हर बात सच होती तो कोई भी व्यक्ति आसानी से अपने विरोधियों को एक उंगली से वश में कर सकता था। एस ने अंत तक पढ़ा और उसने अंतिम पृष्ठ पर एक पंक्ति देखी, इस पुस्तक में सब कुछ एक चिकित्सक के रूप में मेरे जीवन भर के काम पर आधारित एक सिद्धांत है। SLK, SLK, एस ने ये नाम सुनकर भौहें से कुढ़ी और वह ये भी समझ गया कि यह पुस्तक क्यों असुरक्षित थी, क्योंकि यह किसी का सिद्धांत मात्र था और किसी को भी मात्र संयोजनों में कोई रुचि नहीं थी। इसके अलावा इस पुस्तक में असंभव चीजों का वर्णन किया गया था, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति एक्यूपंक्चर बिंदुओं को सील करने का तरीका खोज ले तो वह दूसरे लोगों के एनर्जी प्रवाह को कैसे सील कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक परिकल्पना थी। एस को ये किताब अभी भी काफी आकर्षक लगी और उसे इससे गहरी प्रेरणा भी मिली। वह दूसरों की तरह नहीं था, उसकी सोचने की प्रक्रिया अलग थी और उसके दृष्टिकोण से ये किताब एक खजाना थी अगर ये एक्यूपंक्चर बिंदु वास्तविक होते। मुझे इस पर शोध करना चाहिए और खुद देखना चाहिए क्या एक्यूपंक्चर पॉइंट मौजूद है। अगर वे असली है तो वे उस बचे हुए अंतर को भरने के लिए पर्याप्त से अधिक है। एस की आंखें परमानंद से चमकती है। चूंकि कोई भी इसे नहीं चाहता, इसलिए मैं इसे ले लूंगा। अगर कोई बिना सुरक्षा वाली किताब खो जाती है तो किसी को कोई परवाह नहीं होगी। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई नहीं देख रहा है, उसने पुरानी किताब को अपने चोर के स्थान पर रख दिया और कवक के रूप में एक यादृच्छिक मूर्ति कौशल चुना। वह खाली हाथ नहीं लौट सकता। ग्रे ने फिन को हाथ में एक सफेद कौशल पुस्तक लेकर वापस आते देखा। आखिरकार उसने 2 घंटे बर्बाद करने के बाद चुनाव किया, मैं इस स्टोन फिस्ट की नकल करना चाहता हूँ। एस ने ये किताब ग्रे को दे दी और उसने उसके लिए एक सरणी के साथ एक प्रति बनाई। किताब को उस जगह रखने के बाद वे जाने ही वाले थे कि प्रतिबंधित क्षेत्र में गोता लगाने वाला प्रकाश अवरोध चमक उठा। इस प्रकाश अवरोध में एक दरवाजे के आकार का अंतर दिखाई दिया और जैसे ही अंतर बंद हुआ, रून शिल्पी वस्त्र पहने एक छोटी सी लड़की बाहर निकल आई। फर्श पर मौजूद सभी लोगों ने तुरंत अपनी नजरें फेर ली, मानो वे नहीं चाहते थे कि वह उन्हें देखे। एस ने भी ऐसा ही करने से पहले केवल एक नजर डाली। ये लड़की सीढ़ियों की ओर शान से चलती हुई बहुत सुंदर लग रही थी और उसके चारों ओर एक घमंड का भाव था। वह सभी को घृणा भरी नजरों से देख रही थी जैसे कि वे उसके नौकर हों। जब इस लड़की ने कवच और मुखौटा पहने ग्रे को देखा तो उसकी बड़ी मणि जैसी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उसकी नजर एक साथ फिन के दुबले पतले शरीर पर टिकी हुई थी और जब उसने गुलाम का मुखौटा देखा तो उसने तिरस्कार के भाव से तेजी से नजरें दूसरी ओर घुमा ली। वह एक सोल रिवर साधक थी, वह इसके मुखौटे से आने वाली अशुभ आभा को कैसे महसूस नहीं कर सकी। नमस्कार लेडी रून क्राफ्टर, ग्रे ने उसे सीढ़ियों की ओर आते देखा तो उसने सैन्य सलामी के साथ उसका अभिवादन किया। उसकी आंखों में गहरी चिंता दिख रही थी। हम उस लड़की ने जवाब में ग्रे की तरफ सिर हिलाया। अगर कोई और होता तो शायद वह उनकी तरफ देखती भी नहीं। लड़की बिना कोई और रुकावट डाले शांतिपूर्वक चली जाती है। क्या हर रून शिल्पकार इतना आत्मसंतुष्ट होता है, एस ने घृणा से सोचा।
वह इस प्रकार के लोगों से सबसे अधिक घृणा करता था और यदि वह गुप्तचर न होता तो उसे इस घमंडी लड़की को बधाई और विदाई उपहार के रूप में एक चोर का प्रतीक देने में कोई आपत्ति नहीं होती। चलो चलें, ग्रे कुछ पलों के बाद आखिरकार आगे बढ़ी। वह उस लड़की से फिर से टकराना नहीं चाहती थी। भले ही वह रून शिल्पियों का सम्मान करती हो, लेकिन उसे उनका रवैया भी पसंद नहीं आया। एस ने लाइब्रेरियन एडेन को अश्लील मुस्कान के साथ वही किताब पढ़ते हुए देखा और एक अजीब सा चेहरा बनाया। यह आदमी दूसरों से बिल्कुल अलग किस्म का है, उसने सोचा। उसने पहली बार किसी को इस तरह का चेहरा बनाते हुए देखा था, बिना इस बात की परवाह किए कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। हम्फ, ग्रे ने तिरस्कार भरी आंखों से कहा और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। उसे इस बूढ़े आदमी से घिन आती है। ग्रे की तीखी आवाज सुनकर एडेन लगभग उछल पड़ा और जब उसने उसे बिना अलविदा कहे जाते हुए देखा तो वह नाराजगी में बोला, अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, तुम इस बूढ़े आदमी को इतने महत्वपूर्ण स्थान पर क्यों परेशान कर रही हो? क्या सर, आप कहीं और जाना चाहते थे? ग्रे ने लाइब्रेरी से बाहर निकलते हुए पूछा। एस पवेलियन जाना चाहता था, लेकिन उसने जल्दी ही यह विचार त्याग दिया क्योंकि वह ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था, और यह विशेष रूप से तब हुआ जब उसने स्वर्ण वीआईपी टोकन के इतिहास के बारे में जाना। इसके अलावा उसे नहीं लगता था कि वहां सिर्फ 100,000 सीपी से कुछ खरीदा जा सकता है, और गोलियों का एक बड़ा हिस्सा खरीदने से लैन और एल्विन का अवांछित ध्यान आकर्षित हो सकता है। वह ये नहीं भूला कि ग्रे लैन के लिए उसकी निगरानी करने के लिए यहां था। चलो पवेलियन लेन पर चलते हैं, उसने कुछ विचार करने के बाद कहा। एस को शहर का नक्शा चाहिए था और वह देखना चाहता था कि पवेलियन लेन में उन केमिस्टों के पास कितनी संपत्ति है। हर कोई जानता है कि केवल शक्तिशाली और अनुभवी केमिस्ट और शिल्पकार ही फ्लेम सिटी के इस विशेष क्षेत्र में दुकान रख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता था कि यह मंडप वाली गली प्रतिभाशाली केमिस्टों और शिल्पकारों के लिए प्रशिक्षण का मैदान भी थी। मंडपों की गली को दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। पहला क्षेत्र वह था जहां से मंडपों की गली शुरू होती है, प्रवेश लेन। दूसरा क्षेत्र फ्लेम पैलेस के सबसे करीब था और 20 मील लंबी मंडपों की गली में से केवल 5 मील को कवर करता था, जीनियस लेन। ये जीनियस लेन वह क्षेत्र था जहां केवल केमिस्टों और शिल्पकारों में से जीनियस ही मुफ्त में दुकानें प्राप्त कर सकते थे। केवल कांस्य या चांदी के वीआईपी टोकन वाले लोग ही इन केमिस्टों को काम पर रख सकते थे और उनकी कीमत बहुत ज्यादा थी। यदि वे असफल भी हो जाएं, तो भी उन्हें निर्धारित फीस का आधा भुगतान करना होगा। लेकिन ऊंची प्रतिमा वाले लोग आसमान छूती कीमत के बावजूद अभी भी यहां आते हैं, क्योंकि ये प्रतिभाशाली लोग गोली की लौसे थे। ये प्रतिभाशाली लोग अपेक्षाकृत युवा थे और उनमें से कुछ को तो अनुभव प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय देशों से यहां भेजा गया था। यहां की सबसे प्रसिद्ध दुकान ग्रीन फ्लेम पवेलियन थी, जिसे मध्य भूमि के नंबर एक केमिस्ट प्रतिभा ग्रीन फ्लेम द्वारा चलाया जाता था। 5 साल पहले ये युवा लड़की इस ज्वाला शहर में दिखाई दी थी और उस समय वह केवल एक नीली रैंक की केमिस्ट थी और उसकी उम्र केवल 18 वर्ष थी। और यहां आने के ठीक एक साल बाद वह एजोर रैंक हासिल करती है और मध्य भूमि में सबसे कम उम्र की एजोर केमिस्ट बन जाती है। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और आजकल हर कोई जानता है कि ग्रीन फ्लेम कौन थी, और लोग उसे मध्य भूमि की केमिस्ट रानी भी कहते थे। यही कारण है कि कोई भी उसे अपमानित करने या उसके ग्रीन फ्लेम मंडप में कोई परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करता। ग्रीन फ्लेम पवेलियन को 3 अनोखी इमारतों में बांटा गया था, एक दुकान, रहने के लिए क्वार्टर और एक कार्यशाला। दुकान 7 मंजिला थी, जिसका बाहरी रूप बहुत सुंदर था और अंदर का हिस्सा और भी शानदार था। ग्रीन फ्लेम पवेलियन की दुकान के सबसे ऊपरी तल पर आंतरिक भाग को सुंदर संगमरमर से सजाया गया था और सुंदर कांच के फूलदानों में विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियों का उपयोग मात्र सजावट के लिए किया गया था। इस समय श्वेत रेशमी वस्त्र पहने एक सुंदर युवक आराम से बैठा हुआ सुगंधित चाय की चुस्कियां ले रहा था और उसके दोनों ओर दो मनमोहक सुंदरियां खड़ी थीं। फूलों के डिजाइन वाली नीली पोशाक में एक आकर्षक और मोहक लग रही थी, जबकि दूसरी ढीली हरी पोशाक में मासूम और मिलनसार लग रही थी। ये तीनों ही वह समूह थे जो 3 घंटे पहले ही ज्वाला नगर के बाहर उतरे थे। इस समय एक घूंघट वाली महिला ने एजोर अल्केमिस्ट वस्त्र पहने हुए प्रतीक्षा कक्ष में प्रवेश किया। उसके एजोर अल्केमिस्ट वस्त्र स्पष्ट रूप से उसके सुंदर वक्र और सुडौल छाती को नहीं छिपा सकते थे। उसका माथा दूधिया सफेद था, जबकि उसकी आंखें चमकते सितारों की तरह थीं। कोई केवल कल्पना कर सकता है कि अगर वह उस काले घूंघट को हटा दे तो वह कितनी सुंदर होगी। नीले रंग के केमिस्ट वस्त्र पहने एक सुंदर लड़की इस घूंघट वाली महिला के पीछे सम्मानपूर्वक खड़ी थी। हमें अकेला छोड़ दो, घूंघट वाली महिला ने अपनी मधुर आवाज में आदेश दिया जो कानों को सुखद लग रही थी। एक वफादार सेवक की तरह वह नीला केमिस्ट बिना किसी अनादर के छोड़ देता है। युवक ने शालीनता से कप मेज पर रखा और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जब से मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था तब से बहुत समय बीत चुका है और तुम और भी अधिक सुंदर हो गई हो, मेरी प्यारी ज़ेल्डा। जी हाँ,
ये घूंघट वाली महिला वास्तव में ज़ेल्डा थी, जो कभी निम्न स्तरीय भूमि के ल्यूमिनस सिटी में जैद मंडप की मंडप मास्टर थी। ज़ेल्डा और उसकी चाची उस घृणित चोर को पकड़ने में बुरी तरह विफल होने के बाद वे दोनों खाली हाथ लौट आए, क्योंकि उस चोर ने सीमा की संरचना को बदलते हुए निचले आकाश में गोता लगाकर आत्महत्या कर ली थी। ज़ेल्डा अपने ग्रीन फ्लेम पवेलियन में वापस आ गई, क्योंकि उसे असफलता के लिए कोई सजा नहीं मिली, क्योंकि उसकी चाची लेला ने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया था। ज़ेल्डा की जिंदगी सामान्य हो गई थी, लेकिन वह मृत चोर फिर से सामने आ गया और उसने तुरंत उच्च स्तरीय भूमि में अपने कबीले को इसकी सूचना दी। अब उसका कबीला फिर से उस चोर की गुप्त रूप से तलाश कर रहा था। जहां तक इस बात का सवाल है कि वह प्रशिक्षण के नाम पर वापस क्यों नहीं लौटना चाहती थी और यहां तक कि मध्यम स्तर की भूमि पर क्यों नहीं जाना चाहती थी, तो इसका कारण वास्तव में ये सुंदर युवक था, जो उसका मंगेतर भी था। अब जब उसका मंगेतर यहां तक आ गया है तो वह बेचैन हो गई है। अगर कोई और होता जो उसे इस तरह चिढ़ाता तो वह पहले ही उस पर हमला करके उसे मार देती, लेकिन वह जानती थी कि उसका यह मंगेतर एक साधना प्रतिभावान है और एक केमिस्ट के रूप में उसके पास उसके जैसी कोई आक्रमणकारी शक्ति नहीं है। उसे ये भी यकीन नहीं था कि वह उसके बगल में खड़ी उसकी दो तलवार दासियों को हरा पाएगी या नहीं। जहां तक संगठन से किसी भी प्रकार की सहायता मांगने की बात है तो वह जानती थी कि यह बेकार है, क्योंकि जब तक वह अपनी पृष्ठभूमि नहीं बताता तब तक कोई भी उसे छूने की हिम्मत नहीं करेगा, यहां तक कि क्राफ्ट एडलैन भी नहीं, जो संभवतः एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो उसे संभाल सकता है। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद क्राउन प्रिंस मार्क, मैं सम्मानित महसूस कर रही हूँ। ज़ेल्डा ने शाही शिष्टाचार के साथ उस युवक का अभिवादन किया। उसने कोई भी कदम उठाने से पहले जांच पड़ताल की। आखिरकार इस बात की पूरी संभावना थी कि वह उसके लिए यहाँ बिल्कुल भी नहीं था। वह उसके स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी और इसीलिए वह उससे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अफसोस कि वह अपने कबीले की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकती थी। लेकिन एक रास्ता था जो उसे इस राजनीतिक विवाह से बचने में मदद कर सकता था, और वह था कि वह बैंगनी केमिस्ट के पद पर आसीन हो जाए। हालांकि यह अंतर पार करने के लिए बहुत बड़ा था और उसे यकीन नहीं था कि उसके पास समय भी है या नहीं। इस शादी को रद्द करने और पिलफ्लेम के मुख्यालय में शामिल होने की उसकी आखिरी उम्मीद उस चोर के कब्जे में खून था, लेकिन इसे भी कुचल दिया गया था। युवा व्यक्ति या क्राउन प्रिंस मार्क की मुस्कान तब और बढ़ गई जब उसने ज़ेल्डा को इतना डरपोक व्यवहार करते देखा और धीरे से कहा, तुम दोनों दरवाजे की रखवाली करो, मैं अपनी मंगेतर से अकेले में बात करना चाहता हूँ। उसने अपने पास खड़ी दो लड़कियों को आदेश दिया जो उसकी तलवार दासियां भी थीं। युवा मालकिन, कमरे से बाहर जाने से पहले उन दो तलवारधारी दासियों ने अपने आकर्षक चेहरों पर मुस्कान के साथ ज़ेल्डा का स्वागत किया। क्या मेरे सामने भी घूंघट बरकरार रहना जरूरी है? मार्क ने अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ पूछा। ज़ेल्डा ने घूंघट नहीं हटाया और शांत भाव से जवाब दिया, क्राउन प्रिंस, मैंने अपनी शादी के समय केवल इस घूंघट को हटाने की कसम खाई थी, इसलिए मुझे माफी मांगनी होगी। क्या ऐसा है? मार्क ने अपनी असभ्य निगाहों से ज़ेल्डा के शरीर को सिर से पैर तक ध्यान से नापते हुए कहा, क्या मैं आज रात तुम्हारी यह प्रतिज्ञा पूरी करने में मदद कर सकता हूँ? ये सुनते ही ज़ेल्डा की आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं और थोड़ी सी भी हत्या की मंशा उसकी आंखों से झलक उठी। मार्क ने हत्या की मंशा को भांपते हुए केवल मुस्कुराया और शांत भाव से कहा, क्या मुझे अपनी खूबसूरत मंगेतर को छेड़ने की भी अनुमति नहीं है? मुझे डर है मैं क्राउन प्रिंस की चिढ़ाने के लायक नहीं हूँ। ज़ेल्डा ने बलपूर्वक अपनी जानलेवा आभा को दबा दिया, मुझे सहना होगा या उसे मुझे ले जाने का बहाना मिल जाएगा। उद्धरण, हाहा। मार्क जोर से हंसा और अचानक एक बर्फीली भयावह आभा कमरे में भर गई। इस आभा के सामने ज़ेल्डा की हत्या की मंशा बच्चों का खेल से ज्यादा कुछ नहीं थी। मार्क अपने चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान के साथ बोलता है, तो फिर ऐसा क्यों न हो, ये घूंघट हटा दो और मैं तुम्हें इस गंदगी में एक घंटे तक इंतजार करवाने के लिए माफ कर दूंगा। वह अब अपने सुंदर स्वरूप जैसा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसका चेहरा उस दुष्ट आभा से विकृत हो गया था। ज़ेल्डा हिंसक रूप से कांपने लगी, क्योंकि उसका माथा ठंडे पसीने से भर गया था और आंखें गहरे भय से सिकुड़ गई थी। अपनी एनर्जी नदी की साधना के बावजूद भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह बर्फीले तूफान के बीच खड़ी एक तुच्छ इंसान थी। प्रतीक्षा कक्ष के बाहर, हे, मैंने तुमसे कहा था कि महामहिम नाराज थे। नीली पोशाक में बनी तलवार बाहर खिलखिलाती है और अपने साथी के कान में फुसफुसाती है। हरे वस्त्र पहने तलवारधारी दासी ने अपने चेहरे पर गंभीर और क्रोधित भाव के साथ सिर हिलाया। वह कुतिया खुद को क्या समझती है? वह तो महामहिम को व्यक्तिगत रूप से अभिवादन करने के लिए भी नहीं आई, और फिर उसने उन्हें इस गंदी दुकान में एक घंटे तक इंतजार करवाया। उसे यही मिलना ही था। हम्फ। अंदर ज़ेल्डा अवचेतन रूप से अपने कांपते हाथों को अपने घूंघट की ओर ले जाती है, क्योंकि उसकी जीवित रहने की प्रवृत्ति उसे बता रही थी जीवित रहने का यही एकमात्र तरीका था। जैसे ही वह घूंघट पकड़ने वाली थी, वह भयावह आभा अचानक गायब हो गई और वह अपने होश में आ गई। उसने अपना हाथ घूंघट से दूर कर लिया। उसने मार्क को गहरी दहशत से देखा।
मार्क की कोमल मुस्कान लौट आई है, मानो पहले जो कुछ भी हुआ वह एक भयानक सपना था। देखा, मैं काफी समझदार व्यक्ति हूँ और चूंकि तुम मेरी होने वाली पत्नी हो, इसलिए मैंने तुम्हारी प्रतिज्ञा का सम्मान किया। हालांकि मैं तुम्हारे संकल्प से काफी निराश हूँ। इस जगह पर रहना तुम्हें कमजोर बनाता है और तुम्हारी क्षमताएं मुरझा रही है। आह, मार्क ने अपनी आंखों में एक दयनीय भाव के साथ आह भरी, जैसे कि वह ज़ेल्डा के बारे में गहराई से चिंतित था। बस मुझे उस स्काई थीफ के बारे में सब कुछ बता दो और मैं तुम्हारी पिछली गलतियों को नजरअंदाज कर दूंगा। ओह, और कुछ भी छिपाने की कोशिश मत करना, वरना अगली बार मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक तुम अपने शरीर के सारे कपड़े नहीं उतार दोगे, मार्क ने चेहरे पर सौम्य मुस्कान के साथ कहा, लेकिन ज़ेल्डा की नज़र में यह एक राक्षस की मुस्कान थी। फ्लेम लाइब्रेरी से निकलने के बाद ग्रे ने एस को मंडप की गली में ले गया। वे दोनों फ्लेम पैलेस के मुख्य द्वार से बाहर निकलते हैं और जीनियस लेन की ओर चलते हैं, जो फ्लेम पैलेस के सबसे निकट है। समय समय पर वे केमिस्टों को अपने पास से गुजरते हुए देखते थे और उनमें से हर कोई बड़ी दिलचस्पी के साथ उनकी ओर देखता था, क्योंकि एस का नेतृत्व ग्रे नामक एक ज्वाला कप्तान कर रहा था। उन उत्सुक निगाहों ने एस को परेशान नहीं किया और वह हरियाली का आनंद ऐसे ले रहा था जैसे वह सैर पर हो। लाइब्रेरी के अंदर लाइफ प्लेक्सस जैसी दिलचस्प चीज पाकर वह अच्छे मूड में था। कुछ देर चलने के बाद एस ने एक शानदार 7 मंजिला इमारत देखी और उसके बाहर लोगों की एक खास भीड़ थी, जैसे वे अंदर जाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हों। इससे उसकी दिलचस्पी बढ़ गई, क्योंकि फ्लेम पैलेस से निकलने के बाद यह पहली दुकान थी जो उसने देखी थी और यह काफी लोकप्रिय लग रही थी। क्या उस दुकान में कुछ अनोखा है, एस ने ग्रे से पूछा। ग्रे ने थोड़ा सिर हिलाकर सहमति जताई और उसने जवाब दिया, हाँ, यह मिस ग्रीन फ्लेम का ग्रीन फ्लेम पवेलियन है। वह मध्य स्तर की भूमि की नंबर एक केमिस्ट प्रतिभा है और एजियोर केमिस्टों में से एक है। उन्होंने एस को ग्रीन फ्लेम के अद्भुत इतिहास और उसके उत्थान के साथ साथ फ्लेम सिटी में उसकी अद्वितीय स्थिति के बारे में बताया। एस इस ग्रीन फ्लेम और उसकी प्रतिष्ठा के बारे में सुनकर है रान रह गया। उसे हीलिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह बता सकता था कि यह लड़की वाकई एक प्रतिभाशाली लड़की है। यदि उसे पता चले कि यह उसी महिला की भतीजी है जो आसमान छूती सीमा के पास उसका पीछा कर रही थी और जो उन वांटेड पोस्टरों के पीछे की मास्टरमाइंड भी है, तो कौन जाने उसे कैसा लगेगा। मैं एनर्जी पत्थरों से कुछ भी खरीद सकता हूँ है न, या मुझे सीपी की जरूरत है, एस ने पूछा। चूंकि यह एक निजी दुकान है, इसलिए आप एनर्जी पत्थरों का उपयोग कर सकते हैं, ग्रे ने यह भी कहा। हालांकि कृपया ध्यान रखें कि ग्रीन फ्लेम पवेलियन पवेलियन की गली में नंबर एक दुकान है और इस दुकान में हर कोई या तो मिस ग्रीन फ्लेम की मदद करता है या उसके अधीन काम करता है। यह उन्हें बहुत घमंडी बनाता है। यही कारण है कि कभी कभी वे वास्तविक कीमत से 2 गुना शुल्क लेते हैं और इससे बच निकलते हैं, क्योंकि कोई भी मिस ग्रीन फ्लेम को बदनाम नहीं करना चाहता था। एस को समझ में आ गया कि ग्रे उसे सचेत कर रहा था और उसे इस बात पर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। वह बस उस मुखौटे के नीचे मुस्कुराया और व्यस्त ग्रीन फ्लेम पवेलियन की ओर चलता रहा। ग्रे को नहीं पता था कि फिन क्या सोच रहा था, क्योंकि उसने कोई टिप्पणी नहीं की। हर गुजरती हरकत के साथ गुलाम का मुखौटा पहने यह व्यक्ति और भी रहस्यमय होता जा रहा था। एस उस छोटी लाइन में नहीं घुसा, क्योंकि ग्रे ने उसे पहले ही बता दिया था कि वे ग्रीन फ्लेम के लिए यहाँ है, दुकान के लिए नहीं। वह दरवाजा पार करके आलीशान दुकान में घुस गया। उसके पीछे ग्रे था। अंदर का हिस्सा बहुत ही आकर्षक और विशाल था। वहाँ कई कांच के डिस्प्ले थे जिनमें अलग अलग रंग की गोलियां और उनके पीछे औषधीय जड़ी बूटियां रखी हुई थीं। एक बड़े काउंटर के पीछे 3 हरे रंग के वस्त्र पहने केमिस्ट खड़े थे और कई सफेद वस्त्र पहने केमिस्ट ग्राहकों की सेवा कर रहे थे। एक बात जो ध्यान देने लायक थी वह ये थी कि दुकान में काम करने वाली हर केमिस्ट खूबसूरत महिला थी। एस को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि ये सभी केमिस्ट बिना किसी शर्म या शिकायत के नौकरों की तरह काम कर रहे थे। सर फ्लेम गार्ड, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, गोल चेहरे वाली एक खूबसूरत सफेद लबादा पहने केमिस्ट अपने गोरे चेहरे पर मुस्कान लिए ग्रे के पास पहुंची। उसने फिन की तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि वह सिर्फ एनर्जी गेट्स का बच्चा था। ग्रे ने फिन की ओर देखा और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उसे बिल्कुल भी परेशानी नहीं थी। मैं तुम्हारा ग्राहक नहीं हूँ, वह है, उसने फिन की ओर इशारा किया। उसे पता था कि ऐसा होगा। उसे छोटी सी लड़की ने आखिरकार पलट कर फिन को नग्न तिरस्कार से देखा। तुम्हें क्या चाहिए, उसने गुस्से से पूछा। वह नहीं जानती कि यह नकाबपोश बदमाश कौन है, लेकिन चूंकि वह फ्लेम गार्ड के साथ था, इसलिए उसे कुछ सम्मान देना ही था। अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह उसे पहले ही बाहर निकाल चुकी होती। इस लड़की के अशिष्ट व्यवहार से एस को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने शांति से कहा, मुझे फ्लेम सिटी का नक्शा चाहिए। सिर्फ नक्शा, लड़की ने पूछा। मैं केवल एक नक्शा ही खरीद सकता हूँ, फिन हंसता है। हम सफेद लबादा पहने केमिस्ट लड़की ने घृणा से नाक भान सिकुड़ी और नक्शा लाने चली गई। वह ये काम जल्द से जल्द पूरा करना चाहती थी ताकि यह बदमाश वहां से निकल जाए।
एस ने इस अटेंडेंट की घृणित निगाहों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और दुकान को स्कैन किया। अपनी आत्मा की भावना से उसने ऊपरी मंजिलों पर एक शक्तिशाली उपस्थिति महसूस की। उसे यह बहुत सामान्य लगा क्योंकि यह एक बहुत प्रसिद्ध दुकान थी। उसे उन शीशे के डिस्प्ले के पीछे की गोलियों और जड़ी बूटियों में ज्यादा दिलचस्पी थी। उनमें से हर एक कम ग्रीन रैंक पर था और यह सिर्फ पहली मंजिल थी। इस दुकान के ऊपरी स्तर पर निश्चित रूप से उच्च रैंक की गोलियां थीं और वह उनमें से हर एक को चाहता था। 10 उच्च क्यू पत्थर। लड़की अपने हाथ में एक सफेद रेशमी स्क्रॉल लेकर वापस आए। ग्रे की आंखें कीमत सुनकर सिकुड़ गईं। उसे पता था कि इस नक्शे की कीमत इतनी ज्यादा नहीं थी और ये लड़की खुद भुगतान की मांग नहीं कर सकती थी क्योंकि वह काउंटर सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था। लेकिन वह चुप रही। वह देखना चाहती थी कि फिन क्या करता है और अगर वह पूछेगा तो ही वह मदद करेगी। एस ने बिना पलक झपकाए टेबल पर 10 क्रिस्टल जैसे एनर्जी पत्थर रख दिए। वह समझ गया कि दूसरे अटेंडेंट्स जानते हैं कि यह लड़की नियम तोड़ रही है, लेकिन उसने उसे डांटा नहीं। हे, मैं अपनी अगली यात्रा का इंतजार कर रहा हूँ, एस ने हल्की सी हंसी के साथ सोचा। लड़की को यह देखकर अप्रसन्नता हुई कि फिन ने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी क्योंकि वह उसका मजाक उड़ाती। हालांकि अब उसने बिना कोई चाल चले नक्शा सौंप दिया, जबकि वह जानती थी कि कब रुकना है और वह ग्रे को नहीं भूली थी जिसने इस पूरे समय कुछ नहीं किया था। एस ने अन्य नक्शों के साथ चोर के स्थान के अंदर नक्शा रख दिया और वापस जाने के लिए मुड़ गया क्योंकि उसने पहले से ही इस दुकान के धन और उनकी ताकत को माप लिया था। ग्रे ने बिना कुछ कहे फिन का पीछा किया। जब उसने देखा कि फिन अचानक रुक गया और कुछ क्षण के लिए कांप उठा, एस की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसे अचानक ऊपरी मंजिलों से एक क्षण के लिए एक भयावह आभा महसूस हुई। उसने तुरंत अपना संयम संभाला और पुनः बाहर निकलने की ओर बढ़ने लगा। ग्रे ने पूछा कि अभी कुछ देर पहले क्या हुआ था, लेकिन फिन अब ठीक लग रहा था इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और उसके पीछे पीछे चलती रही। हालांकि उसने देखा कि फिन पहले से थोड़ा तेज चल रहा था, जैसे कि उसे जाने की जल्दी हो। उसे क्या हुआ? क्या वह आखिरकार नाराज हो गया है? ग्रे ने अजीब अंदाजा लगाया। यही होना चाहिए। दूसरी ओर एस बहुत बेचैन महसूस कर रहा था और वापस जाना चाहता था क्योंकि एक पल के लिए उसे जो मौजूदगी महसूस हुई वह बेहद खतरनाक थी। इस तरह के खतरे को महसूस करना उसके लिए पहली बार था। किसी को ये जानना होगा कि एल्विन या लैन ने भी उसकी आत्मा को इस तरह से प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित नहीं किया। आखिर वह कौन था? एस ने गंभीर चेहरे के साथ सोचा, अगर वह उपस्थिति किसी और चीज पर केंद्रित नहीं होती तो वह मेरी आत्मा की भावना को समझ लेती। उद्धरण। एस जानता था कि उसकी आत्मा की भावना के साथ पहले कभी अन्याय नहीं हुआ था और उसे ये भी भरोसा था कि यहाँ कोई भी इसका पता नहीं लगा सकता। हालांकि उस उपस्थिति को महसूस करने के बाद वह अब और निश्चित नहीं था। वह आत्मा हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से एनर्जी नदी क्षेत्र के किसी व्यक्ति का था, लेकिन यह एनर्जी नदी कोर साधकों से भी अधिक खतरनाक था। उस व्यक्ति के करीब 3 और एनर्जी नदी क्षेत्र आत्मा हस्ताक्षर थे, एस ने सोचा। सर ब्लैक फॉक्स, ग्रे की ऊंची आवाज एस को उसके गहरे विचारों से बाहर खींचती है। हाँ हाँ, एस ने ग्रे की ओर देखा। मैं पूछ रहा था कि तुम आगे कहाँ जाना चाहते हो, क्या सब ठीक है? पहली बार फिन को विचलित देखकर ग्रे को अब यकीन हो गया था कि उसके साथ कुछ चल रहा है। नहीं, हम वापस जा रहे हैं। मुझे एकांत में जाना था। मुझे अभी कुछ देर पहले ही दायरे की दीवार के बारे में एक आभास हुआ था, इसलिए मैं इस बदलाव को चूकना नहीं चाहता, उसने झूठ बोला। ओह, तो हमें जल्दी से वापस लौटना होगा, ग्रे ने सोचा कि फिन के अजीब व्यवहार के पीछे यही कारण होगा। आधे घंटे के बाद वे अंततः VIP क्षेत्र में लौट आए और यहां तक आते आते एस ग्रीन फ्लेम पवेलियन में हुई उस अजीब मुठभेड़ के बारे में सोचता रहा। एस और ग्रे जब इमारत के अंदर जाने वाले थे तभी किसी ने उन्हें सीढ़ियों के बीच से रोक लिया। ये फ्लेम गार्ड कवच में एक लंबा आदमी था, फ्लेम कैप्टन। उन्होंने संगठन के सामान्य शिष्टाचार के साथ ग्रे का अभिवादन किया और अगले ही पल फिन की ओर देखते हुए कहा, फ्लेम जनरल सर, फिन को बातचीत के लिए आमंत्रित करते हैं। अब वह क्या चाहता है? एस ने फ्लेम गार्ड का पीछा करने से पहले खुद को तैयार किया और ग्रे से अंदर उसका इंतजार करने को कहा। चूंकि एल्विन का घर उसके घर के बगल में था इसलिए एस को वहां पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा और ये लगभग उसी आंगन के समान था जिसमें वह रह रहा था। फ्लेम जनरल आपका इंतजार कर रहा है, फ्लेम गार्ड ने कहा और वह फिन को एक कमरे के दरवाजे के बाहर छोड़कर पीछे हट गया। एस दरवाजा खटखटाने ही वाला था कि दूसरी तरफ से एक आदेशात्मक आवाज सुनाई दी, अंदर आओ। एस ने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। वह नहीं जानता था कि एल्विन उससे क्या चाहता है, लेकिन वह स्पष्ट रूप से अनुमान लगा सकता था यह ऊंचे इलाकों में जाने से संबंधित कुछ होगा। अगले स्तर पर चढ़ने से पहले साधकों को जिन बाधाओं का सामना करना पड़ता है। एल्विन ने फिन को भावशून्यता से देखा और अपनी मार्शल सेंस का इस्तेमाल करके उसे परखा। उसे ये देखकर संतुष्टि हुई कि फिन पहले जैसा ही था और उसमें ज्यादा बदलाव नहीं आया था। बैठो, एल्विन ने कहा और जब फिन ने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था तो उसने आगे कहा, मैंने तुम्हें बुलाया है क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। क्या अच्छी खबर है?
फिन ने उत्सुक स्वर में पूछा। मुझे मुख्यालय से अभी अभी जवाब मिला है, जब मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया। एल्विन ने शांत भाव से कहा, तुम आत्मा पथ में साधना कर सकते हो और संगठन इसमें तुम्हारा पूरा समर्थन करेगा। इसके अलावा, जब तक हम उच्च भूमि पर वापस नहीं लौट जाते, तब तक तुम्हें फ्लेम पैलेस में मौजूद 10 आत्मा साधकों द्वारा सिखाया जाएगा, और वे 10 रून शिल्पकार भी है। सच तो यह है कि एल्विन मुख्यालय को फिन के बारे में रिपोर्ट करने में विफल रहा था, क्योंकि उसने इसकी सूचना केवल अपने पिता को दी थी। एल्विन को एक लंबा जवाब मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वह अचंभित रह गया। उसे अपने पिता की गंभीर आवाज में केवल 3 वाक्य मिले, और वे थे, इस शारीरिक रूप वाले लड़के को जो भी चाहिए वह सब दे दो, लेकिन किसी भी कीमत पर उस चोर को ढूंढो और उसे जिंदा वापस लाओ। अगर तुम उसे नहीं ढूंढ पाए तो हमेशा के लिए वहीं रहो। एल्विन ने कभी इस तरह की गंभीर प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी, खासकर अपने महत्वाकांक्षी पिता हेनरिक से। इसका मतलब ये भी है कि चोर एक महान तत्व काया से भी अधिक महत्वपूर्ण था। चाहे एल्विन इस पर कितना भी सोचे, उसे समझ में नहीं आया कि आखिर एक छोटा चोर उन पुराने बदमाशों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों था। लेकिन एक बात तो साफ थी कि जब तक वह स्काई स्टीलर को पकड़ नहीं लेता, तब तक वह वापस नहीं जा सकता था, और अपने पिता के लहजे से लगता था कि हेनरिक को फिन की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इससे उसके मुंह में एक अप्रिय स्वाद रह गया और उसके सारे महान सपने धूल में मिल गए। उसे नहीं पता था कि वह लैन को ये कैसे समझाएगा, क्योंकि उसने उसे गौरव का वादा किया था। अंत में एल्विन ने पहले फिन से निपटने का फैसला किया, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति ने उसे फिन की जरूरत की हर चीज मोह या कराने के लिए कहा था। वह लैन को सब कुछ बताने की योजना बना रहा था और लैन को व्यक्तिगत रूप से फिन की मार्शल नींव को मिटाने के लिए जरूरी हर चीज तैयार करने के लिए कह रहा था। वह अब भी सोचता है कि फिन उसे अपने दम पर बहुत सारे लाभ दे सकता है, क्योंकि उसके पास लकड़ी तत्व का शरीर था और एल्विन का जन्मजात तत्व भी लकड़ी था। भले ही फिन सोलवुड एनर्जी की कल्टीवेशन करता है, इसका मतलब यह नहीं है कि एल्विन को इससे कोई लाभ नहीं हो सकता। इसीलिए उसने पहले फिन के मामले को निपटाया और फिर उस शापित चोर की तलाश में निकल पड़ा। ऐसा नहीं है कि इस समय उसके पास उसके बारे में कोई सुराग था, क्योंकि वह महीनों तक दिखाई नहीं दिया था। धन्यवाद बड़े भाई, फिन ने प्रसन्नता भरी आवाज में एल्विन को धन्यवाद दिया। हालांकि अंदर ही अंदर ऐसा अपनी बदकिस्मती को कोस रहा था, क्योंकि उसे नहीं लगता था कि ये लोग इतनी जल्दी उसकी बात मान लेंगे। उसे पता था कि अगर वे उसकी नींव बदलने की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो उन्हें पता चलेगा कि मिटाने के लिए कोई नींव ही नहीं है। पहले वह खतरनाक उपस्थिति और अब ये बुरी खबर। क्या मैं बुरी किस्मत से अभिशप्त हूँ, एस ने दुश्मनी से सोचा। फिर भी उसने इसे जाहिर नहीं होने दिया और अभी भी फिन की तरह दिखावा कर रहा था। एल्विन ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हम भाइयों के बीच धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, और मुझे आपके लिए भी इससे छुटकारा पाने दो, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एस को समझ नहीं आया कि एल्विन क्या बात कर रहा है। जब उसने एल्विन को गुलाम वस्तु अनुबंध निकालते देखा, यह उसका गुलाम अनुबंध था। एल्विन ने एक हाथ की मुहर बनाई, क्योंकि उसकी आभा सघन हो गई थी। एस को अचानक महसूस हुआ कि उसके चेहरे पर गुलाम वस्तु गर्म हो गई है। मार्शल स्लेव आइटम को मालिक द्वारा हटा दिया गया है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, मार्शल गुलाम अनुबंध के लिए नकली चेतना भी नष्ट कर दी गई है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, क्या तो इसका मतलब है कि मैंने 500 टीपी व्यर्थ में बर्बाद कर दिए। एस का चेहरा उतर गया और उसने सोचा, लेकिन वह ऐसा क्यों कर रहा है? क्या इसलिए कि इस आइटम के साथ वे मार्शल कल्टीवेशन को मिटाने की प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकते? ये वही होना चाहिए। उद्धरण, एस को अभी भी किसी के साधना पथ को बदलने की विधि के बारे में बहुत कम जानकारी थी और इस वजह से वह गलत धारणाएं बना बैठा। उसे नहीं पता था कि एल्विन स्लेव आइटम को हटा रहा था, क्योंकि उसे स्काई स्टीलर के लिए इसकी फिर से जरूरत थी। ये गुलाम वस्तु पहले से ही उसके लिए थी और उसने इसका इस्तेमाल फिन पर उन बूढ़े लोगों को डराने के लिए किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन्हें फिन की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अब उसके पास फिन की सद्भावना अर्जित करने के लिए उदारता दिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि एल्विन को अभी भी उस गुलाम वस्तु अनुबंध के बारे में सच्चाई नहीं पता थी जो उसे फ्लेम मास्टर विलियम द्वारा दिया गया था, जो इसे प्राप्त करता है। फिन के चेहरे पर लगे काले मास्क पर दरारें आ गईं और अगले ही पल वह पूरी तरह टूटकर धूल के कणों में बदल गया। फिन का दुबला चेहरा फिर से सामने आया और उसके चेहरे पर कृतज्ञता से भरी मुस्कान थी। उसने जल्दी से एल्विन की ओर झुककर कहा, धन्यवाद बड़े भाई मुझ पर इतना भरोसा दिखाने के लिए। हालांकि एस के वास्तविक विचार उसके भाषण के विपरीत थे। एल्विन की मुस्कान और चौड़ी हो गई और उसने अपनी योजना को काम करते देख स्वीकृति में सिर हिलाया, कोई जरूरत नहीं, तुमने इसे अर्जित किया है। अब वापस जाओ और तब तक प्रतीक्षा करो जब तक मैं एल्डलैन के साथ चर्चा नहीं करता। तैयार रहो क्योंकि यह प्रक्रिया दर्द भरी होगी, लेकिन लाभ आसानी से दर्द से अधिक होंगे। हाँ, मैं बड़े भाई को निराश नहीं करूंगा, फिन ने दृढ़ अभिव्यक्ति दिखाई जबकि उसकी आवाज गंभीर थी। अच्छा अच्छा, मुझे पता है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे।
एल्विन ने दयालुता से मुस्कुराया। इसके बाद एस को उसी फ्लेम गार्ड द्वारा वापस ले जाया गया। जब ग्रे ने फिन का चेहरा गुलाम के मुखौटे के बिना देखा तो वह चौंक गई और उत्सुक हो गई कि यह कैसे हुआ। लेकिन फिन ने उसे अस्पष्ट रूप से यह बताने के बाद कि यह उसकी कल्टीवेशन के लिए महत्वपूर्ण था, सीधे कल्टीवेशन कक्ष में चला गया। एस ने कल्टीवेशन के कमरे के गठन अवरोध को सक्रिय किया और एक गहरी सांस ली। वह कुछ देर तक वहां खड़ा रहा और फिर क्रॉस लेग करके बैठ गया। मैं अभी मिशन के लिए तैयार नहीं हूं और मैं दो एनर्जी नदी कोर साधकों के सामने उजागर होने का जोखिम नहीं उठा सकता। आह, मुझे यह आना चाहिए था, लेकिन मैं अभी भी अपनी वर्तमान ताकत के साथ पिलफ्लेम जैसे विशालकाय शहर का नंबर एक शहर चुराना चाहता था, वास्तव में ब्रह्मपूर्ण। एस कड़वाहट से बड़बड़ाता है। जब उसने फ्लेम प्लेस और उसके आसपास की सुरक्षा व्यवस्था तथा उसके भीतर सभी शक्तिशाली साधकों को देखा, तब भी वह पहले इस शहर में चोरी करने की अपनी योजना से पीछे नहीं हटा। लेकिन आज जब उसने उस खतरनाक उपस्थिति को महसूस किया तो अंततः वह अपनी भ्रांति से जाग उठा और सोचने लगा कि यदि वह व्यक्ति ज्वाला महल से कोई होता तो क्या होता। उसे अभी भी ज्वाला महल के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी और उसके कौशल और साधना उस स्थान के मुख्य शासन में घुसपैठ करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। और एल्विन द्वारा उसे स्वीकृति के बारे में बताने के बाद यह आखिरी तिनका था जिसने ऊंट की पीठ को तोड़ दिया। एस को एहसास है कि वह इस समय दुश्मन के अड्डे के केंद्र में है और उन्हें यह भी पता है कि वह कहाँ है। हालांकि उसे कई लाभ मिले, फिर भी वह निगरानी में था। शायद वह भूल गया था कि वह क्या था और इतना सारा मुफ्त लाभ पाने के बाद वह ये सब क्यों कर रहा था। उसे यह आभास हो जाना चाहिए था, लेकिन वह अपने आप से कहता रहा, वह ये कर सकता है इससे पहले कि वे उसे ढूंढ लें। हालांकि अब उसे समझ में आ गया था कि यह मिशन कितनी बड़ी समस्या थी और वह सबसे पहले सबसे शक्तिशाली लक्ष्यों में से एक को चुराने की योजना बना रहा था और उसे इसका एहसास अभी हुआ। अच्छा, अच्छी बात यह है कि मैं पहली कक्षा के राज्य भूमि में हूं और मुझे कुछ अप्रत्याशित भी मिला है। मुझे बस इसी बात से खुश होना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय मैं बहुत लालची हो गया। हे, ठीक है, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। एस की आंखों में एक तेज चमक चमकी। मुझे आज ही यह शहर छोड़ना होगा। एस ने तुरंत निर्णय लिया और उसे लगा कि यही सही काम है। एस ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी आत्मा को नियंत्रित किया। उसका ध्यान एल्विन के आंगन पर था। वह किसी भी अन्य कार्रवाई से पहले उसके जाने का इंतजार कर रहा था। हालांकि उसे फ्लेम पैलेस में घुसपैठ करने का भरोसा नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि वह किसी को भी सचेत किए बिना इस शहर से निकल सकता है। एस को अब बस ये सोचना था कि वह कैसे गायब होगा। वह या तो वहां से चला जाए और हंगामा मचा दे, लेकिन शायद यह उल्टा पड़ जाए क्योंकि एल्विन और लैन कोई बेवकूफ नहीं थे। वे आसानी से बिंदुओं को जोड़ सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि वह कौन था, क्योंकि केवल एक व्यक्ति ने खुद को इस हद तक छिपाने की क्षमता दिखाई है। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब है कि उन्हें पता चल जाएगा कि उसका भेस कितना शक्तिशाली था, और वह ये भी प्रदर्शित करता है कि उसके पास एक तत्वकाया थी। वे निश्चित रूप से पहले से भी अधिक मजबूती से उसके पीछे पड़ेंगे और इससे उसका मिशन और अधिक समस्याग्रस्त हो जाएगा। वह उन्हें और अधिक ताकत के साथ उसका पीछा करने का और अधिक कारण नहीं देना चाहता था। वह अभी उनसे बचकर भागने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था, इसलिए उसे फिन की कमजोर और मासूम छवि को बरकरार रखते हुए वहां से निकलना पड़ा। एस ने कुछ देर सोचा, तभी अचानक उसकी आंखें चमक उठी और उसके होंठ शैतानी मुस्कान के साथ ऊपर की ओर मुड़ गए। मैं इसका उपयोग कर सकता हूं और इस स्थिति से लाभ उठा सकता हूं। उद्धरण, सुपर चोर, एपिसोड 40। फ्लेम पैलेस के एक कमरे में दो आदमी गर्मागर्म बहस कर रहे थे और एक बूढ़ा आदमी गुस्से से आग बबूला था। वह किसी बात को लेकर बहुत नाराज था। ये दो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से एल्विन और लैन थे। एल्विन द्वारा एल्डर लैन को फिन के संबंध में हाल ही में हुई घटना के बारे में बताने के बाद लैन लगभग गुस्से से भड़क गया और उसने एल्विन को मिथ्यावादी कह दिया, हालांकि वह अपने वादे से पीछे हट रहा था। अंत में जब एल्विन ने देखा कि लैन फ्लेम मास्टर विलियम से संपर्क करने वाला है, तो एल्विन ने तुरंत अपने पिता का वह संदेश लैन को सौंप दिया जो उसे आज सुबह मिला था। आखिरकार जब लैन ने रिकॉर्डिंग सुनी तो उसका गुस्सा काफी हद तक कम हो गया और उसे एल्विन की बातों पर यकीन हो गया। लेकिन उसके लिए भी यह मानना अभी भी मुश्किल था कि एल्विन के कबीले को शरीर के तत्वों की ज्यादा परवाह नहीं थी और उनके लिए चोर ज्यादा महत्वपूर्ण था। इससे बूढ़े आदमी के दिल में कई सवाल उठे, लेकिन कोई भी उसे जवाब देने के लिए यहाँ नहीं था क्योंकि एल्विन भी उसी स्थिति में था। उनके संवादों के बीच लैन को मुख्यालय से सीधे एक और लंबी दूरी का संदेश प्राप्त हुआ और आश्चर्यजनक रूप से इसकी विषय वस्तु एल्विन के पिता के संदेश के समान ही थी, और यह संदेश भेजने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि फ्लेम मास्टर विलियम था। विलियम की कर्कश आवाज सुनकर एल्विन और लैन दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया, और इस बार विलियम ने लैन को आदेश दिया कि वह एल्विन के साथ मिलकर उस चोर की खोज करे और फिन को आत्मा साधकों की देखभाल में फ्लेम सिटी में छोड़ दे। इसके अलावा एल्विन के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था, जैसे कि विलियम इस विषय को पूरी तरह से अनदेखा कर रहा था और दोनों जानते थे कि यह बिल्कुल भी उसके जैसा नहीं था। वे अंततः इस स्थिति की गंभीरता को समझते हैं।
एल्विन का चेहरा पीला पड़ गया था क्योंकि वह जानता था कि उसके पिता कभी भी विलियम को फिन के विशेष शरीर के बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि उन दोनों के परिवारों के बीच मतभेद थे। अब एल्विन ने अंततः इस कार्य को पहले से भी अधिक गंभीरता से लिया और लैन और भी अधिक भयभीत हो गया क्योंकि वह विलियम की आवाज़ से बता सकता था कि वह कुछ हद तक असंतुष्ट था। लैन ने सारा दोष एल्विन पर मढ़ दिया जबकि वह स्वयं लालची था। कुछ समय तक एक दूसरे पर दोषारोपण करने और बहस करने के बाद अंततः उन्होंने अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया और वह था फिन की नींव को बदलना। यहां तक कि फ्लेम मास्टर विलियम ने भी लैन से कहा कि वह ये काम स्वयं करे और फिन को वह सब कुछ मोह या कराए जो उसे एल्विन के साथ स्काई स्टीले की खोज करने से पहले चाहिए। लैन ने तुरंत दूसरी महिला फ्लेम कैप्टन को फिन को लाने के लिए भेजा ताकि वह तुरंत प्रक्रिया शुरू कर सके। उसने फ्लेम गार्ड्स के एक समूह को भी बुलाया और उनसे कहा कि वे अपने सूचना नेटवर्क पर नजर रखें और अगर वह शापित चोर फिर से दिखाई दे तो उसे तुरंत सूचित करें। मुझे लगता है कि आपको तीसरी श्रेणी की भूमि पर वापस जाना चाहिए और कम प्रोफाइल रखना चाहिए। अगर वह चोर फिर से दिखाई दिया तो किसी भी अन्य स्थान की तुलना में उसके वहां दिखाई देने की बहुत अधिक संभावना है। अगर आप जैसा कोई व्यक्ति आसपास है तो हम उसे आसानी से घेर सकते हैं, लैन ने कठोर चेहरे के साथ सुझाव दिया। एल्विन के पास सहमति में सिर हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है क्योंकि लैन के शब्द अर्थपूर्ण है। मैं एल्द लैन के हाथों में प्रथम और द्वितीय श्रेणी की भूमि छोड़ रहा हूँ। यदि वह इन भूमियों में दिखाई दे तो कृपया तुरंत मुझसे संपर्क करें और मैं इस बार अपनी बहन को यहाँ छोड़ रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इस बार ध्यान रखना कि तुम्हारा ध्यान भटके नहीं, लैन ने उपहास किया। एल्विन का चेहरा उतर गया लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि वह जानता था कि जो कुछ हुआ उसके कारण लैन अभी भी गुस्से में है। मुझे खुद ही पता लगाना होगा कि आखिर तुम छोटे चोर में ऐसी क्या खासियत है, एल्विन ने गहरी नाराजगी के साथ सोचा। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा जब उसके जैसा कोई उग्र जनरल एक छोटे चोर की तलाश में यहाँ भेजेगा। लैन ने नाक सिकुड़ी और कुछ नहीं कहा। वह अब एल्विन को ताना मारने के मूड में नहीं था और फिन के आने का इंतजार कर रहा था। मैं हर समय एक ही स्थान पर नहीं रह सकता, मुझे व्यक्तिगत रूप से स्थानांतरित होना पड़ेगा जब से मैंने स्काई स्टीले की स्थिति का पता लगाया है, लैन ने गंभीर चेहरे के साथ सोचा। इस समय जिस कमरे में लैन और एल्विन फिन का इंतजार कर रहे थे उसका दरवाजा खुला और एक नकाबपोश फ्लेम गार्ड घबराई हुई आंखों के साथ अंदर आया। इससे पहले कि लैन फ्लेम कैप्टन को उसके दुस्साहसिक प्रवेश के लिए डांट सके, वह घबराए हुए स्वर में बोलती है, बड़े साहब, वीआईपी अतिथि गायब हो गया है। क्या? लैन और एल्विन ने एक साथ कहा और वे तुरंत अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। जब मैं वहां पहुंचा तो ग्रे ने मुझे बताया कि वह साधना के लिए एकांतवास में चले गए हैं, लेकिन जब हमने उनसे समूह के माध्यम से संपर्क करने का प्रयास किया तो हमें पता चला कि समूह पहले से ही सक्रिय नहीं था। हम स्वयं कल्टीवेशन कक्ष में गए लेकिन उसे बुलाने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली और वीआईपी की जांच करने के लिए हमने दरवाजा खोला, लेकिन जब हम अंदर गए तो वह जा चुका था और वहां केवल एक कागज की पर्ची थी। उसने जल्दी से लैन को सब कुछ बता दिया। क्या फिसलन? एल्विन ने कठोर स्वर में पूछा क्योंकि उसकी भयावह आभा बाहर आ रही थी। उसने जल्दी से एक उंगली के आकार की कागज की पर्ची लैन को थमा दी। कागज के टुकड़े को देखने के बाद एल्विन और लैन के चेहरे विभत्स हो गए क्योंकि उनके चारों ओर घुटन भरी जानलेवा आभा का एहसास हो रहा था। इस पर केवल एक वाक्य था, प्रिय एल्विन, मैं लड़के को बोर कर रहा हूँ, अगर वह चोर नहीं है तो मैं उसे एक सम्मानित अतिथि की तरह व्यवहार करने का वादा करता हूँ, आपका प्रिय मित्र ब्लैक। अंत में एक खोपड़ी का चित्र था, वे अभिमानी भूत बास्टर्ड्स, एल्विन ने शाप देते हुए कहा और वहां से जाने के लिए उसने एक चाल कौशल का प्रयोग किया। लैन ने जल्दी से एक गोलाकार फॉर्मेशन प्लेट निकाली जिसका रंग चमकीला नीला था। उसके पास पूरे शहर को बंद करने का समय नहीं था क्योंकि इसमें 15 मिनट लगते, इसलिए उसने इस फॉर्मेशन प्लेट का इस्तेमाल पूरे शहर में फैली संरचनाओं की जांच करने के लिए किया। लैन जानता था कि यदि अपहरणकर्ता कोई भूत है तो उनके पास बहुत कम समय है और वह उस व्यक्ति का सटीक स्थान जानना चाहता था ताकि वह शीघ्रता से हस्तक्षेप कर सके। लेकिन लैन को निराशा हुई, उसे कोई भी संदिग्ध गतिविधि नहीं दिखी और शहर में शांति थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह गुस्से में अपने दांत पीस रहा था। इसका सीधा मतलब था कि फिन चला गया था। यह उनके चेहरे पर एक तमाचा था और अगर यह खबर बाहर आ गई कि किसी ने फ्लेम सिटी के एक वीआईपी का अपहरण कर लिया है तो संगठन पूरे मध्यम स्तर के भूभाग में हंसी का पात्र बन जाएगा। जाओ, सभी फ्लेम गार्ड को इकट्ठा होने और हर प्रथम श्रेणी के राज्य में खबर फैलाने का आदेश दो। जो कोई भी दुष्वप्न भूतों से निपटेगा वह फ्लेम पिल दुश्मन होगा। उद्धरण, हमारे आदमियों को उनके ठिकानों पर हमला करने दो, मुझे परवाह नहीं कि उन्होंने कौन सा तरीका अपनाया। मैं वीआईपी को वापस चाहता हूं और कुछ लोगों को उनके ठिकानों की तलाश करने के लिए कहता हूं। इस बार वे बहुत आगे निकल गए, लैन ने उसे बदसूरत चेहरे के साथ आदेश दिया। हालांकि ऐसा प्रतीत होता था कि मुख्यालय को फिन की ज्यादा परवाह नहीं थी,
लेकिन उसे उसकी जरूरत की हर चीज देने का आदेश ये दर्शाने के लिए पर्याप्त था कि वे अभी भी उसकी काफी परवाह करते हैं। अब अगर उन्हें पता चले कि उन भूतों ने उसके इशारे पर उसका अपहरण किया है तो लैन को बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए उसने दुष्वप्न भूतों के ठिकानों पर हमला करने में संकोच नहीं किया, क्योंकि वे ही थे जिन्होंने उन्हें सबसे पहले उकसाया था। एल्विन खजाने का इस्तेमाल 1000 मीटर के दायरे में अपनी मार्शल भावना फैलाने के लिए कर रहा था। वह इतना गुस्से में था कि उसकी आंखें लाल हो गई थीं। वह शहर के दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। अंदर ही अंदर वह जानता था कि अब बहुत देर हो चुकी है, और यदि अपहरणकर्ता वही व्यक्ति है जिसे वह समझ रहा है तो फिन पहले ही जा चुका था और उसकी मार्शल सेंस भी उसे नहीं चुनेगी। अगर उन कमीनों को फिन के खास शरीर के बारे में पता चल जाए तो वे उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। मुझे गुलाम वस्तु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए था, लानत है। एल्विन फिन को गुलाम वस्तु से मुक्त करने के अपने फैसले पर पछता रहा था। अब वह ये भी सोच रहा था कि वह व्यक्ति विशेष रूप से गुलाम वस्तु के कारण फिन को निशाना बना रहा था, और जैसे ही उसने उसे हटाया वे उसे ले गए। एल्विन और लैन दोनों को यह नहीं पता था कि वे किसी और का खेल खेल रहे थे। फ्लेम सिटी से 2 मील दूर उत्तर दिशा में एक छाया एक बेतरतीब रास्ते पर धुंधली होती जा रही थी। इस छाया की गति लगभग एक छोटी एनर्जी नदी साधक के बराबर थी, क्योंकि उसका हर कदम 3 मीटर की दूरी तय कर रहा था। कोई भी व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख सकता था कि वह व्यक्ति काले रंग के कपड़े पहने हुए था और उसके सिर पर एक हुड था। अगर कोई उस हुड के नीचे देख सकता था तो एक युवा व्यक्ति का बेहद सुंदर चेहरा था। ये स्वाभाविक रूप से बिना किसी भेस के एस था। एस ने 1 घंटे पहले ही फ्लेम सिटी से भागकर एल्विन को फ्लेम पैलेस के लिए रवाना किया था। अब सवाल यह है कि वह उन फ्लेम गार्ड्स को बिना बताए कैसे निकल गया। तो उसने बस रस्सी से शहर की दीवार को गिरा दिया। उसके पास वह रस्सी है जो उसने निम्न स्तरीय भूमि से खरीदी थी, और यह सरल विधि है जिसके बारे में केवल एक औपचारिक मनुष्य ही सोच सकता है। एस ने आज लाए गए मानचित्र का अध्ययन करने के बाद शहर की दीवार के सबसे बंजर क्षेत्र को चुना तथा दीवार पर बनी संरचना को देखने के लिए अपनी आंखों के कौशल का उपयोग किया, और उसे आश्चर्य हुआ कि वहां कई खामियां थीं। उसने अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी से उनमें से प्रत्येक को याद किया और उन खामियों का उपयोग करके दीवार पर चढ़ा और फिर नीचे उतरने और शहर से भागने के लिए भी यही किया। किसी ने कभी इस तरह की विधि की कल्पना भी नहीं की होगी, और यदि उन्होंने कल्पना भी की होगी तो भी उन्हें शहर की दीवार की रक्षा करने वाली संरचना पर पूरा भरोसा था। लेकिन एस के पास सोल शैटरिंग आइज जैसा एक कौशल है जो संरचना में किसी भी दोष को देख सकता है, यहाँ तक कि अगर वह इसे थोड़े समय के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है तो ये सभी दोषों को देखने के लिए पर्याप्त है। उसने एक पल के लिए इसका इस्तेमाल किया और गश्त कर रहे फ्लेम गार्ड्स को कुछ गड़बड़ का एहसास होने से पहले ही शहर से भाग निकला। उसने रस्सी या कोई निशान पीछे नहीं छोड़ा। अंत में उसकी योजना सफल हो जाती है, और यहाँ तक कि दुष्वप्न भूतों पर भी दोष मढ़ दिया जाता है। वह जानता था कि एल्विन उसे कितना महत्व देता है, और यह निश्चित रूप से उसे क्रोधित करेगा। ग्रे के लिए उसकी बेदम चुपके से उसकी धारणा से बचने के लिए पर्याप्त था। उनकी नज़र में फिन के पास शहर से भागने का न तो कौशल था न ही कोई कारण, इसलिए 90% निश्चितता थी कि वे उसकी उस छोटी सी कागज़ की पर्ची पर विश्वास कर लेंगे। एस खुशी से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने इस बार बहुत बड़ा जोखिम उठाया था, और यदि एल्विन या लैन को उसके गायब होने के बारे में बहुत जल्दी पता चल जाता तो वह अदृश्य मोती का उपयोग करके उन्हें मजबूर कर देता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और वह एक धूर्त चोर की तरह बिना किसी बाधा के ज्वाला नगर से भाग निकला। एस की आंखों में एक तेज चमक थी और उसकी मुस्कुराहट गंभीर थी। अब वह जानता था कि खजाना कहाँ है, और यहाँ तक कि उसे अपनी एक तकनीक के लिए प्रेरणा भी मिल गई थी, और यह अभी के लिए पर्याप्त था। इसके बावजूद वह निराश था। ऐसा नहीं है कि वह भविष्य में यहाँ वापस नहीं आएगा, और जब वह आएगा तो वह चोर की तरह होगा। मेरे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है, एस ने गंभीर भाव से कहा जब उसने सोचा कि 10 साल में उसे 30 स्थानों पर चोरी करनी होगी। उसने डेमियन साम्राज्य के ज्वाला शहर को चोरी करने के भ्रम में लगभग 3 महीने बर्बाद कर दिए, और वह जानता है कि वह इस राज्य में किसी भी विशालकाय शहर पर छापा मारने के लिए अभी तैयार नहीं था। एस ने कुछ देर रुककर डेमियन किंगडम के शाही प्रांत के नक्शे का अध्ययन किया। ज्वाला शहर के सबसे निकट का शहर बीस्ट कॉलिंग का बीस्ट शहर था, लेकिन उसने वहां जाने की योजना नहीं बनाई थी, कम से कम अभी तो नहीं। उसके बाद डेमियन किंगडम का शाही शहर था डेमियन रॉयल सिटी, और वह पूरी गति से एक दिन में वहां पहुंच सकता है। दिशा जांचने के बाद उसने नक्शा चोर के स्थान पर वापस रख दिया और प्रेत की तरह फिर चल पड़ा। डेमियन रॉयल सिटी बहुत भव्य थी, लेकिन फ्लेम सिटी की तुलना में इसमें बहुत कमी थी। जैसे कि पूरे शहर में कोई संरचना नहीं थी, न ही शहर की दीवारों पर कोई संरचना अवरोध या संरचना थी। सत्ता संरचना में भी कमी थी, लेकिन फिर भी एक शक्तिशाली एनर्जी नदी कोर डेमियन किंग शहर की देखरेख कर रहा था। यहाँ तक कि 3 दिग्गजों के अभिमानी लोगों को भी डेमियन किंग को कुछ सम्मान देना होगा। डेमियन रॉयल परिवार का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है।
क्योंकि वे कभी केवल तीसरे दर्जे के राज्य थे और उनका उदय बहुत ही आश्चर्यजनक और रहस्यमय था। लेकिन आज भी कोई भी उस रहस्य को सुलझा नहीं पाया है। कुछ लोगों का मानना है कि पहले डेमियन राजा को कुछ पुरानी विरासत मिली थी और कुछ अन्य अफवाहों के अनुसार इस राज्य को तीन दिग्गजों में से एक का समर्थन प्राप्त था। अधिकांश लोगों का मानना था कि बाद वाला ही एकमात्र संभावित स्पष्टीकरण था। इस समय एक साधारण दिखने वाला लेकिन आलीशान कपड़ों वाला युवक राक्षसी घोड़ागाड़ी में बैठा था। अगर उसके कपड़े और उसके आसपास कुलीनता का भाव न होता तो कोई उसे आम आदमी ही मान सकता था। सादे चेहरे वाला ये युवक रयान के भेष में ऐस था। वह कल रात शहर पहुंचा और आसानी से उसमें घुसपैठ कर ली। उसने डेमियन किंगडम के रईसों के कुछ महंगे कपड़े खरीदे और उन्हें पहना ताकि वह किसी अवांछित ध्यान को आकर्षित न करे। ऐस को ये शहर बहुत पसंद आया क्योंकि यहाँ की सड़कों पर कोई छिपी हुई संरचना नहीं थी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कोई नहीं जानता था कि वह कौन था या क्या था। युवा मास्टर, हम बीस्ट कॉलिंग कोलोसियम पहुंच गए हैं। कोचमैन ने सम्मानपूर्वक ऐस के लिए दरवाजा खोला। इस शहर में हर किसी की पृष्ठभूमि कुलीन है क्योंकि इसके बिना कोई भी यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ लोग किसी को ठेस पहुँचाने से पहले दो बार सोचते हैं और बिना उसकी पृष्ठभूमि जांचे कोई कार्रवाई नहीं करते। यहाँ तक कि एक साधारण सा दिखने वाला युवक भी ड्यूकडम का कुलीन व्यक्ति हो सकता है। ये लो, बदले हुए पैसे रख लो। एस ने कोचवान को एक मध्यम स्तर का एनर्जी पत्थर दिया और गाड़ी से उतर गया। जहाँ तक उनके यहाँ आने का सवाल है तो वह डेमियन साम्राज्य को छोड़ने के लिए थे और सबसे तेज रास्ता था डेमियन शहर में बीस्ट कॉलिंग कोलोसियम के माध्यम से यात्रा करना। गाड़ी से उतरने के बाद एस सीधे कोलोसियम के रिसेप्शन की ओर चला गया क्योंकि इसकी संरचना शाही साम्राज्य के समान ही थी लेकिन ये बहुत अधिक भव्य और सुंदर थी। एस ने सबसे तेज श्रेणी के जानवर में सीट टिकट खरीदने के लिए 200 उच्च एनर्जी पत्थरों का भुगतान किया। उसे यह काफी आसानी से मिल गया क्योंकि यह जगह तीसरे ग्रैंड किंगडम की तरह नहीं थी और नीलामी की कोई जरूरत भी नहीं थी। उसकी मंजिल लीप किंगडम थी जो रैंकिंग में 10वें नंबर पर था और एक ग्रैंड किंगडम में सबसे कमजोर था। एस ने कई कारणों से इस राज्य को चुना और उनमें से एक था मजबूत बनना। वह ये कैसे करने जा रहा था ये केवल वही जानता है। एस को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि वह इस सबसे तेज श्रेणी की गाड़ी का अंतिम यात्री था जिसका अर्थ था कि उसे अन्य लोगों की तरह नई यात्रा के लिए इंतजार नहीं करना पड़ा। इस बार एस की सवारी 5 मीटर बड़ा स्कारलेट विंगलान था। उसके बगल में 5 और लोग थे जो अलग अलग आलीशान वस्त्र पहने हुए थे। उनमें से 3 सुंदर महिलाएं थीं जो 20 के दशक के अंत में थीं और 2 मध्यम आयु वर्ग के पुरुष। वे सभी शिखर एनर्जी आधार क्षेत्र के साधक थे। इस बारे में बात करते हुए एस को इस शहर में कोई भी नश्वर नहीं मिला और हर कोई एक साधक था और इसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। वह कुछ हद तक समझता है कि यह राज्य इतना शक्तिशाली क्यों था क्योंकि उन्होंने इस शहर में किसी भी नश्वर को अनुमति नहीं दी थी, यहाँ तक कि इस प्रांत में भी नहीं। जानवर को काबू करने वाली महिला 20 साल की एक सुंदर लड़की थी और वह एनर्जी नदी के क्षेत्र में थी। उसने किसी का अभिवादन नहीं किया और न ही दूसरों के अभिवादन का जवाब दिया। उसने बस उन्हें जानवर पर चढ़ने के लिए कहा क्योंकि वह समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। केवल एस साधना एनर्जी गेट्स क्षेत्र में थी और हर कोई उसे छिपे हुए तिरस्कार से देखता था और उसे पूरी तरह से अनदेखा करता था। ऐसा नहीं है कि उसे इस बात से जरा भी ऐतराज था। इसके विपरीत वह इसकी बहुत सराहना करता था। वह नहीं चाहता था कि कोई उस पर ध्यान दे। मुझे अपने गंतव्य तक पहुंचने में अभी 10 दिन और लगेंगे, एस ने साफ सुनहरे आसमान और उसके नीचे धुंधली भूमि को देखते हुए सोचा। वह सबके बिल्कुल किनारे पर बैठा था और कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसने अपने चोर के कमरे से एक पुरानी किताब ली और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। ये लाइफ प्लेक्सिस की किताब थी जिसे उसने चुराया था एहम फ्लेम लाइब्रेरी से लिया था। एस को इस बारे में शोध करने का कोई मौका नहीं मिला क्योंकि वे अप्रत्याशित घटनाएं बहुत तेजी से घटित हुईं और उसे उस जगह से भागना भी पड़ा। लेकिन अब जब वह अकेला था और उसके पास खाली समय था तो वह उसे बैठकर बर्बाद नहीं करना चाहता था। उन्होंने पुस्तक खोली और दूसरे पृष्ठ पर वर्णित मानव शरीर और एक्यूपंक्चर बिंदुओं के आरेखों का अवलोकन करना शुरू किया। एक्यूपंक्चर बिंदु मेरिडियन में जीवन बिंदु है और प्रत्येक का अपना अलग अलग कार्य है। अधिकांश जीवन बिंदु मानव शरीर में जीवन भर अवरुद्ध रहते हैं और हम अपने शरीर की पूरी क्षमता का केवल 70% ही उपयोग कर पाते हैं। उद्धरण, एस ने पुस्तक में पूरी तरह से ध्यान लगाया क्योंकि उसे हर जीवन बिंदु का सटीक स्थान याद था और कैसे कोई उन्हें खोल या सील कर सकता है। हालांकि यह एक व्यक्ति का मात्र सिद्धांत था फिर भी यह काफी व्यावहारिक था। इस पुस्तक को लिखने वाले व्यक्ति या SLK के विचार काफी गहन थे क्योंकि उन्होंने साहपूर्वक लिखा था कि ये प्रभाव केवल मार्शल एनर्जी या सोल एनर्जी के साथ प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। उनकी राय में अगर कोई 2 एनर्जी के संयोजन की प्रक्रिया खोज सकता है तो वह प्रभाव प्राप्त कर सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह पुस्तक असुरक्षित थी। वे लोग उसे बस एक पागल आदमी मानते हैं और अगर वे उस पर विश्वास भी करते हैं तो शायद वे सफल नहीं हुए।
एस ने सोचा, चलो मैं भी यह कोशिश करता हूँ क्योंकि मेरे पास दोनों एनर्जी है और अगर यह सिर्फ एक पागल आदमी का सिद्धांत है तो मैं और समय बर्बाद नहीं करूँगा। एस ने इधर उधर देखा और अभी भी कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसने चुपके से अपनी तर्जनी उंगली पर एक आत्मा धागा और अपनी मध्यमा उंगली पर एक स्वर्गीय एनर्जी धागा बनाया। धागे बनाना उनका दूसरा स्वभाव बन गया है क्योंकि उन्होंने रून शिल्प के लिए अथक अभ्यास किया है। एस दो एनर्जी को नियंत्रित करता है और दोनों काले और नारंगी रंग की एनर्जी एक दो रंग का धागा बनाती है। उन्हें मिलाया गया लेकिन वे मिश्रित नहीं हुए। एस ने टो कलर धागे को नियंत्रित किया और मटर के आकार की एक छोटी सी सील बनाई। आखिरी बार ये देखने के बाद कि कोई नहीं देख रहा है, उसने धीरे धीरे उस सील को अपनी कलाई पर मारा जहां एक लाइफ पॉइंट होना चाहिए था। उसने नहीं सोचा था कि उसकी अपनी एनर्जी उसे नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए उसने किसी भी तरह के प्रभाव की जांच करने के लिए पहले इसका प्रयोग खुद पर किया। लेकिन जैसे ही वह सील उसकी मध्य रेखा में प्रवेश करती है, एस का चेहरा काला हो जाता है। एस ने अपने बाएं हाथ को देखा जो पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया था और उसका चेहरा गंभीर हो गया था। वह उसे हिलाने की कोशिश करता है लेकिन उसे निराशा होती है, चाहे वह कितना भी जोर लगाए वह हिलता नहीं है। यद्यपि वह अभी भी अपने हाथ को महसूस कर सकता था लेकिन समस्या ये थी कि वह उसे हिला नहीं सकता था और यहाँ तक कि एचडी एनर्जी भी अब उसमें प्रवाहित नहीं हो रही थी, मानो उसने उसके हाथों की मेरिडियन चैनल को काट दिया हो। ये सफल हुआ। एस की आंखें अस्पष्टता से चमक उठी। सच कहा जाए तो एस को इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि यह तरीका काम करेगा और उसने वह किताब सिर्फ इसलिए ली क्योंकि वह दिलचस्प लगी। लेकिन अब जब ये तरीका काम कर गया तो उसे समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। इसके अलावा एस कोई सामान्य साधक नहीं था और यदि यह विधि उस पर काम कर गई तो इसका मतलब है कि यह किसी पर भी काम कर सकती है। लेकिन कोई भी पहले इस पर शोध क्यों नहीं करता, एस ने सोचा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस तरह की किताब को फ्लेम लाइब्रेरी जैसी जगह पर बिना सुरक्षा के क्यों छोड़ा गया था और यह किताब फ्लेम पिल संगठन के किसी गुप्त कक्ष में क्यों नहीं थी। एस को यह नहीं पता था कि उससे पहले इस किताब ने कई लोगों को प्रभावित किया था और इसके गहन सिद्धांतों ने हर एक व्यक्ति को आकर्षित किया था, लेकिन कोई भी इसमें सफल नहीं हो पाया और आखिरी व्यक्ति जिसके पास ये किताब थी वह एक एजियोर अल्केमिस्ट था। उस केमिस्ट ने इस पर शोध करने में काफी समय लगाया और शोध में मदद करने के लिए एक रून शिल्पकार को रिश्वत भी दी, लेकिन उसके सारे प्रयास विफल हो गए। निराश करने वाली बात यह है कि उस व्यक्ति ने इस पुस्तक को 29वीं मंजिल पर वापस नहीं रखा। उसने इसे एक बेतरतीब बुकशेल्फ पर छोड़ दिया क्योंकि उसे लगा कि यह किताब दूसरों के लिए भी समय की बर्बादी है। इस तरह यह किताब कई सालों तक धूल खाने के बाद एस के हाथ में आ गई। किसी ने यह नहीं सोचा कि क्या होगा यदि अपेक्षित एनर्जी की आत्मा और मार्शल दोनों एक ही व्यक्ति से आए। एनर्जी हर व्यक्ति के लिए अद्वितीय था और इसीलिए एनर्जी चिन्ह और आत्मा चिन्ह मौजूद है। हर व्यक्ति का एनर्जी हस्ताक्षर या आत्मा हस्ताक्षर अलग होता है। यदि किसी के मन में यह विचार आया भी तो इसे प्राप्त करना असंभव था क्योंकि कोई भी एक ही समय में दोनों एनर्जी की कल्टीवेशन नहीं कर सकता। हालांकि एस दूसरों की तरह नहीं था, वह शुरू से ही दोनों एनर्जी की कल्टीवेशन कर रहा था और वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो उनका इतनी सावधानी से उपयोग कर सकता था। अब एस ने कुछ ऐसा हासिल कर लिया है जो इस पुस्तक के निर्माता SLK भी हासिल नहीं कर पाए थे और यह कोई हंसी मजाक की बात नहीं थी। यदि एस इस पुस्तक में सब कुछ में निपुण हो जाए तो वह आसानी से अपने शत्रुओं के जीवन बिंदुओं को अवरुद्ध करके उन्हें असहाय बना सकता है। लेकिन अभी भी उसे बहुत आगे जाना था क्योंकि यह किताब सिर्फ एक व्यक्ति की कल्पना थी और इस पर और शोध की जरूरत थी, जैसे कि वह अपने हाथ की सील कैसे खोलेगा। एस ने अपने उत्साही हृदय को शांत किया और उस दो रंग की सील से मुक्त होने के लिए स्वर्गीय अंधकार एनर्जी का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन ये बिल्कुल भी काम नहीं आया और HD एनर्जी ने मटर के आकार की सील के केवल मामूली हिस्से को ही काटा। इस दर पर मुझे इस सील को पूरी तरह से भंग करने से पहले 3 दिन तक इंतजार करना होगा, कम से कम ये स्थायी तो नहीं है, एस ने सोचा और खुद को खुश कर लिया। यह एक बहुत बड़ी खोज थी और वह इस पुस्तक में अन्य सिद्धांतों पर शोध करने के लिए और भी अधिक गंभीर था। एस ने सील को भंग करने के लिए HD एनर्जी का उपयोग जारी रखा जबकि वह पुरानी किताब का अध्ययन करता रहा। कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता, यहाँ तक कि अगर कोई उसकी ओर देखता भी है तो तुरंत ही उसकी रुचि समाप्त हो जाती है क्योंकि उसके हाथ में एक पुरानी किताब होती है। जानवरों को वश में करने वाली लड़की भी समय समय पर उसकी ओर देखती है और वह इस बात को लेकर काफी उत्सुक थी कि यह लड़का भावशून्य चेहरे के साथ क्या पढ़ रहा है। लेकिन जानवरों को वश में करने वाली लड़की के रूप में उसका अभिमान उसे उससे बात करने की भी अनुमति नहीं देता था। पुरानी किताब के बारे में पूछताछ करना तो दूर की बात थी। 3 दिनों के बाद एस की कलाई की सील अंततः भंग हो गई और वह अपने हाथ और एनर्जी का पुनः उपयोग कर सका। इन 3 दिनों में उसने पुस्तक में वर्णित विभिन्न सिद्धांतों पर गहनता से विचार किया और उनमें से कुछ पर उसने अपने विचार भी व्यक्त किए, लेकिन अब वह उन्हें स्वयं पर आजमाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया।
वह जिज्ञासु था लेकिन वह पागल नहीं था। वह लगातार इस बात पर विचार करता रहा कि वह इस ज्ञान के साथ क्या कर सकता है, और उस मुहर ने उसे काम करने के लिए एक बहुत अच्छी दिशा दी। लेकिन वह पहले उस मुहर को खोलने का तरीका खोजना चाहता था। एस बता सकता था कि उसकी स्वर्गीय एनर्जी आसानी से उस सील को भंग कर सकती है, क्योंकि यह स्वर्गीय आत्मा एनर्जी और स्वर्गीय मार्शल एनर्जी द्वारा बनाई गई थी। लेकिन क्या होगा अगर वह इन मुहरों को एक सामान्य साधक पर लगाए? उनके पास स्वर्गीय एनर्जी नहीं है, जिसका मतलब है कि वे पूरी तरह से असहाय होंगे। वह इसे ठीक से नियंत्रित करना चाहता था और उसने इसे हासिल करने का एक तरीका सोचा। कई दिन शांति से बीते। इस दिन लाल पंख वाले शेर की गति अंततः कम हो गई और वह आकाश से नीचे उतर आया। एस ने अपनी आंखें खोली और अपने नीचे बड़े शहर को देखा। ये लीप किंगडम की राजधानी थी। लाल पंख वाला शेर आखिरकार लीप रॉयल सिटी के बीस्ट कॉलिंग कोलोसियम के अंदर उतरा। यात्रा समाप्त होती है जब सभी लोग बीस्ट टैमर लड़की को धन्यवाद देते हैं और कोलोसियम से निकल जाते हैं। एस भव्य शहर में गहरी सोच में डूबा हुआ टहल रहा था। उसका लक्ष्य मजबूत बनना था और सबसे तेज तरीका चोरी करना या एलिमेंटल और ढूंढकर अपनी कल्टीवेशन बढ़ाना था। दूसरा रास्ता ज्यादा आश्वस्त करने वाला था क्योंकि उस पर लगे कई प्रतिबंध तुरंत हटा दिए जाते। समस्या थी तत्वीय गोला और उसकी स्थिति। उसे कुछ अंदाजा तो है कि उसे कहां देखना है, लेकिन समस्या ये थी कि आगे क्या। वह गार्जियन को कैसे हरा सकता है जो शायद पिछले वाले से ज्यादा शक्तिशाली होगा। वह स्वर्गीय दंड से गुजरने की उसी विधि का उपयोग नहीं करना चाहता था, जबकि इस प्रक्रिया में वह लगभग मर ही जाता था। उसे नहीं पता था कि पिछली बार भी वह कैसे बच पाया था, लेकिन वह अब अपनी जिंदगी को बेवकूफ किस्मत के आधार पर दांव पर नहीं लगाएगा। तो सबसे पहले एस को ओब की उपस्थिति की पुष्टि करनी थी और फिर ओब संरक्षक से निपटने के लिए सहायक ढूंढना था, और उसके दिमाग में एक उत्कृष्ट योजना थी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ भी करे, उसे स्वर्गीय बिजली से निपटने का तरीका ढूंढना होगा, क्योंकि यदि जरूरत पड़ी तो उसे स्वर्गीय अशांति को पुनः सक्रिय करने के लिए तैयार रहना होगा। वह इसीलिए यहां आया था क्योंकि लीप किंगडम के शाही परिवार के पास बिजली जैसी सुरक्षा करने वाला खजाना था। ये लीप किंगडम का राष्ट्रीय खजाना था और गर्व का प्रतीक था। एस को नहीं पता था कि स्वर्गीय बिजली से निपटने के लिए यह पर्याप्त होगा या नहीं, लेकिन ये कुछ भी न होने से कहीं बेहतर था। इसके अलावा वह सिर्फ इस एक बिजली के खजांची के पीछे नहीं जा रहा था, वह हर तरह के बिजली के खजाने या रोशनी से जुड़ी हर चीज को चुराने की योजना बना रहा था। ये जानना जरूरी था कि प्रकाश व्यवस्था एक बहुत ही दुर्लभ तत्व है और इससे जुड़े खजाने और भी दुर्लभ है। लीप किंगडम में प्रकाश व्यवस्था होना पहले से ही इस जगह के लिए अनुपयुक्त माना जाता था। समय के साथ इस जल्द से जल्द कार्रवाई करने की योजना बना रहा था। फ्लेम प्लेस की रक्षा को देखने के बाद उसने इन किंगडम स्तर के खजानों को अपनी आंखों में नहीं रखा। उसे बस कुछ जानकारी चाहिए थी और वह जानता था कि बिना किसी झूठ के उसे कैसे प्राप्त किया जाए। अभी भी यह समस्या थी कि यदि वह पीछे कोई चोर का निशान छोड़ जाता तो अन्य लोग उसकी स्थिति जान लेते, लेकिन अब उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि अब एस चाहता था कि अन्य लोग ये जाने कि वह कहाँ है। एस पूरी गति से लीप रॉयल पैलेस की ओर जा रहा था। किसी ने उसे नहीं देखा, भले ही वह उनकी आंखों के सामने से गुजरा हो। यहां तक कि एनर्जी नदी क्षेत्र के शाही रक्षक भी बेवकूफों की तरह खड़े थे जब वह एक प्रेत की तरह उनके सामने से गुजरा। कुछ उतार चढ़ाव के बाद एस शाही महल के अंदर था। वह अपनी आत्मा की शक्ति से 500 मीटर के क्षेत्र को बारीकी से स्कैन करता है और एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ता है। एस ने एक सुंदर पतली महिला को देखा जो सुनहरे लंबे बालों में थी। उसके चारों ओर वर्चस्व और अहंकार की हवा थी, क्योंकि उसके पीछे कई खूबसूरत नौकरानियां थीं। वह लीप किंगडम की रानी थी। इस प्रतिष्ठित महिला को देखकर उसके होंठ ऊपर की ओर उठे, क्योंकि वह केवल एक मध्यम एनर्जी आधार चरण साधक थी। बिना हिले डुले एस ने उस पर आत्मा की जांच का उपयोग किया और उसने कुछ भी नहीं देखा और अपने अभिमानी चेहरे के साथ आगे बढ़ती रही। अगले ही पल एस को रानी की यादें ताजा होने लगी। अब जब वह स्वर्गीय आधारशिला के शिखर पर है तो वह यादों को चुराते हुए उन्हें पढ़ सकता है। सबसे पहले उसे कई बेकार यादें मिली कि वह कैसे एक ड्यूकडम से थी और कैसे उसका राजा के भाई के साथ संबंध था। एस को लीप किंग के लिए भी सहानुभूति महसूस हुई, जिसे उसके अपने छोटे भाई ने धोखा दिया था। लेकिन इस छोटी सी बात से उसका ध्यान भंग नहीं हुआ और उसने बिना रुके अपनी आत्मा की जांच जारी रखी। अंततः उसे वह मिल गया जो वह चाहता था, जैसे कि महल की संरचना और वह स्थान जहां खजाना छिपा हुआ था। एस लीप क्वीन की चुराई हुई यादों को क्रमवार पढ़ता रहा। अचानक उसके शांत चेहरे पर उदासी उभर आई, क्योंकि उसकी यादों से उसे पता चला कि प्रकाश खजाना खजाने में नहीं था, क्योंकि यह महिला कई बार वहां गई थी और केवल राजा ही जानता था कि वह कहां था। इसका मतलब यह है कि खजाना राजा के पास था या लीप पैलेस में कहीं और छिपा हुआ था। एस अभी तक एनर्जी नदी के साधक की यादों की जाँच नहीं कर सका था, जिससे यह और भी बोझिल हो गया। उसने आत्मा जाँच का उपयोग करना बंद कर दिया और महल में दक्षिण की ओर चला गया।
वह राजा के पुस्तकालय की ओर जा रहा था, जहां रानी की याददाश्त के अनुसार राजा इस समय मौजूद होंगे। एस का सामना कुछ खाली एनर्जी नदी शाही गार्डों से हुआ, लेकिन वह आसानी से उनसे बच निकला। एक बड़ा गलियारा पार करने के बाद एक ऊंचा चांदी का दरवाजा उसकी नजर में आया। ये राजा का पुस्तकालय था, जहां केवल लीप राजा ही प्रवेश कर सकता था। यहां तक कि रानी भी उसकी अनुमति के बिना यहां प्रवेश नहीं कर सकती थी। उन्होंने रूनिक आंखों का प्रयोग किया और जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया था, एक संरचना ने दरवाजे की रक्षा की और यह संभवतः 6 नश्वर रून संरचना थी। उसने लाइब्रेरी के अंदर एक आत्मा के हस्ताक्षर को भी महसूस किया, जो कि एनर्जी नदी क्षेत्र के शिखर पर था। ये संभवतः लीप किंग का था। इसके अलावा उस बड़े गलियारे में 2 छिपे हुए फ्लोइंग एनर्जी नदी साधक भी थे। रानी की याददाश्त के अनुसार ये दोनों राजा के रॉयल लाइफ गार्ड थे और वे हमेशा छाया में छिपकर उनकी रक्षा करते थे। एस को अपनी सीमाएं पता थीं और वह उनका प्रतिद्वंद्वी नहीं था। फिर भी वह लीप किंग की स्टोरेज रिंग चुराने की कोशिश करने जा रहा था। अगर यह ठीक नहीं हुआ तो वह हमेशा भाग सकता है, क्योंकि यहां उसे कोई नहीं रोक सकता। दूसरे लोग शायद उसे एक हत्यारा मानेंगे जो राजा को मारने के अपने मिशन में विफल हो गया। मेरे पास शाम तक का समय है, जब यह आदमी बाहर आएगा, उन 2 गार्डों के साथ मैं लाइब्रेरी में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे संरचना को खोलने और खुद को दिखाने के लिए आत्मा को झकझोर देने वाली आंखों का उपयोग करना होगा। प्रतीक्षा करना अधिक सुविधाजनक है, एस ने सोचा। चूंकि मेरे पास समय है, इसलिए मुझे कुछ करना चाहिए। ओह, अब जब मुझे पहले से ही पता है कि खजाना कहाँ है, तो इसे एक यात्रा का भुगतान करने के साथ छोड़ना अशिष्टता होगी, है ना? एस के चेहरे पर एक चोर जैसी मुस्कान दिखाई दी जब वह भव्य गलियारे से गायब हो गया और उसकी दिशा लीप ट्रेजरी थी। महल में हर कोई जानता था कि खजाना कहीं भूमिगत है, लेकिन ये सिर्फ दिखावा था और यह खजाना दूसरों को मूर्ख बनाने के लिए एक नकली खजाना था। असली खजाना सिंहासन कक्ष में स्वर्ण सिंहासन के ठीक पीछे छिपा हुआ था, जिसकी सुरक्षा के लिए एक अदृश्य और अलार्म व्यवस्था थी। केवल राजा और रानी को ही इसके बारे में पता था। इस समय सिंहासन के पीछे एक काले कपड़े पहने हुड पहने व्यक्ति दिखाई दिया। यह ऐस था। बिना समय बर्बाद किए उसने सच्ची और झूठी आंखों का इस्तेमाल किया और व्यूहों और उनकी खामियों का पता लगाया। खजाने को खोलने वाले हाथों के दूसरे रूप 2 फिंगर की का लगातार 5 बार इस्तेमाल करने के बाद व्यूह आखिरकार खुल गया और एक सुनहरा दरवाजा खुला। एस को आत्मा को झकझोर देने वाली आंखों का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि सुनहरे दरवाजे पर एक फॉर्मेशन लॉक था। खामियां ढूंढने के बाद उसने 5वें फॉर्म लॉक टियरिंग की का इस्तेमाल किया और दरवाजा एक क्लिक के साथ खुल गया। दरवाजे के पीछे एक विशाल जगह थी और वहां कई रंग बिरंगी झिलमिलाती रोशनियां थीं। ये लीप किंगडम के खजाने थे, इनमें कई साल समाये हुए थे। हालांकि एस ने तुरंत अंदर कदम नहीं रखा और रूनिक आंखों का उपयोग किया, और जैसे ही उसे संदेह हुआ, जमीन पर एक संरचना थी और उसके सामने एक अदृश्य संरचना अवरोध था। अगर वह तुरंत अंदर घुस जाता तो पूरे महल में अलर्ट हो जाता और उसे तब तक फंसाए रखता जब तक कोई आकर उसे पकड़ नहीं लेता। वैसे वह इससे बच भी सकता था, लेकिन वह बहुत जल्दी ही सामने आ जाता और वह ऐसा नहीं चाहता था। उसने 10 सेकंड के लिए आत्मा को झकझोर देने वाली आंखों का इस्तेमाल किया, इससे पहले कि उसे खामियां याद आ जातीं। लेकिन स्वर्गीय नींव के शिखर चरण में प्रवेश करने के बाद यह उसकी सीमा थी और अब उसे भारी प्रतिक्रिया झेलनी पड़ेगी। माथे पर पसीने की बूंदें लिए उसने अवरोध पर फिर से 5वें रूप ताला फाड़ने वाली चाबी का प्रयोग किया और एक छोटा सा द्वार दिखाई दिया, तथा वह जमीन पर बनी संरचना की खामियों पर कदम रखते हुए खजाने में प्रवेश कर गया। उन सभी चमचमाती गोलियों की बोतलों, धारदार हथियारों की पंक्तियों, चोटीदार एनर्जी पत्थरों के एक छोटे से पहाड़ और साथ ही उच्च स्तरीय एनर्जी पत्थरों के एक विशाल पहाड़ को देखकर एस जोर से हंसना चाहता था, क्योंकि यह अब तक की सबसे बड़ी लूट थी। काम पर लगने का समय आ गया है, एस ने प्रसन्नता से सोचा। 15 मिनट के बाद एस एक खुश मुस्कान के साथ खजाने से बाहर आया। वह अपनी बड़ी मुस्कान को छिपा नहीं सका, क्योंकि वह अभी प्राप्त अधिसूचना को देख रहा था। होस्ट ने 74,000 टीपी मूल्य के खजाने चुरा लिए हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। चोरी की गिनती में एक मध्यम स्तरीय चोरी जुड़ गई है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। पहला मध्य स्तरीय चोरी पुरस्कार 5,000 टीपी और बेसिक टेलिस्मैन क्राफ्टिंग तकनीक लॉक। चोर अंक 109,000। सच कहा जाए तो इसको पहली बार सिस्टम से बिना कोई मिशन किए रिवॉर्ड मिला था और उसके चोर पॉइंट भी पहली बार 1,00,000 के पार चले गए थे, इसलिए वह बहुत खुश था। सिस्टम, यह मूल तावीज क्या है और यह क्यों बंद है? क्या तुम मेरी मेहनत से कमाए गए इनाम को ठगने की कोशिश कर रहे हो? एस ने दुखी स्वर में पूछा। जब कोई व्यक्ति मुफ्त इनाम कमाता है लेकिन फिर किसी ने उसे लॉक कर दिया है, तो वह असंतुष्ट कैसे नहीं हो सकता? होस्ट ने टिया एक हेवनली रून क्राफ्टर रैंक हासिल नहीं की, इसीलिए इनाम लॉक कर दिया गया। जिस क्षण होस्ट टिया एक हासिल कर लेगा, इनाम स्वाभाविक रूप से अनलॉक हो जाएगा। तो ये चीज रून शिल्प से संबंधित है,
एस ने सोचा और आगे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि अब वह जानता था कि जब वह टियर एक रून शिल्पकार तक पहुंचेगा तो उसे यह मिल जाएगा। चोर पैनल। एस ने बहुत देर बाद चोर पैनल खोला। चोर पैनल, नौकरी, बदलाव नहीं किया जा सकता। चोर, चोर का नाम स्काई स्टीलर। चोर शीर्षक, अंधकार का शिष्य। चोर रैंक, नौसिखिया। चोर प्रसिद्धि, होस्ट और प्रतीक, उच्च। चोर प्रतीक, काला उल्लू। सम्मान प्रतीक, लोकप्रियता स्तर, प्रसिद्धि पर अनलॉक किया गया। नौकरी मिशन, शून्य। चोरी गणना अनुभाग, निम्न स्तरीय चोरी 35, मध्य स्तरीय चोरी 1, उच्च स्तरीय चोरी 0, अगले रैंक तक पहुंचने के लिए आवश्यक चोरी 500, निम्न स्तरीय चोरी। एस ये देखकर बहुत खुश हुआ कि उसकी प्रसिद्धि उच्च स्तर पर पहुंच गई है और उसे मध्य स्तर की चोरी भी मिल गई है। उसे चोर के प्रतीक को बुलाने के लिए लोकप्रियता स्तर प्रसिद्धि की आवश्यकता थी, और खजाने की दीवार पर चमकीले बड़े उल्लू के प्रतीक को देखने के बाद उसे इस बारे से प्राप्त करने का पूरा भरोसा था। ये रहस्यमय तरीके से तब प्रकट हुआ जब उसे मध्यम स्तर की चोरी की सूचना मिली। ये 10 मीटर बड़ा था और बीच की दीवार पर गहराई से उकेरा गया था। हालांकि इस बार एक अंतर था, उल्लू के तीखे काले पंखों पर सुनहरा लिखा हुआ था, आसमान चुराने वाला। ऐसा अनुमान है कि यह सब मध्यम स्तर की चोरी के कारण हुआ था, और शब्द भी स्वर्ण आकाश की दुनिया की भाषा में थे, न कि प्राचीन देव भाषा में जिसका सिस्टम इस्तेमाल करता था। इसका मतलब है कि कोई भी इसे पढ़ सकता था। अब उसे एनर्जी पत्थर छोड़ने की जरूरत नहीं थी और हर कोई जान जाएगा कि कलाकार कौन है। ज्वलंत उल्लू प्रतीक की प्रशंसा करने के बाद एस ने दरवाजा बंद कर दिया और संरचना सरणी तुरंत सक्रिय हो गई। एस सिंहासन कक्ष से बाहर चला गया और अपने अगले लक्ष्य लीप किंग के बाहर आने का इंतजार करने लगा। शाम को लाइब्रेरी का चांदी का दरवाजा खुला और लाल राजा की पोशाक पहने एक सुंदर मध्यम आयु वर्ग का आदमी बाहर आया। वह 1.7 मीटर लंबा और मजबूत शरीर वाला था और उसका चेहरा शांत लेकिन संतुष्ट था। उसकी आंखें एक बुद्धिमान बाज की तरह थीं। यह कोई और नहीं बल्कि लीप किंग था। लीप किंग लाइब्रेरी से बाहर निकलता है और सिल्वर दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, क्योंकि वह फॉर्मेशन में है। पीछे देखे बिना लीप किंग गलियारे से बाहर चला जाता है। कोई भी उसका पीछा नहीं कर रहा था, लेकिन लीप किंग को पता था कि उसके रक्षक उसका पीछा कर रहे थे। इस समय एक पारदर्शी नारंगी धागा, जो बाल के समान पतला था, सावधानीपूर्वक लीप किंग के दाहिने हाथ की ओर बढ़ा, जिसमें उसने एक सुंदर चांदी की अंगूठी पहनी हुई थी। वह महीन धागा ऐसा था मानो उसमें प्राण हो। वह लीप किंग को सचेत किए बिना ही आगे बढ़ गया और धीरे से चांदी की अंगूठी के चारों ओर लिपट गया। लीप किंग को कुछ भी गलत नहीं लगा और वह अपने आसपास की परवाह किए बिना आगे बढ़ता रहा, क्योंकि उसे अपने महल की सुरक्षा पर पूरा भरोसा था। इसके अलावा कौन दिन के उजाले में एक प्रथम श्रेणी के राज्य के महल के अंदर घुसने की हिम्मत कर सकता है? यहां तक कि दुष्स्वप्न भूत भी दिन दहाड़े किसी की हत्या नहीं करते। जब लीप किंग घमंड से आगे बढ़ रहा था तो उसने यह नहीं देखा कि उसकी प्रिय अंगूठी गायब हो गई है और उसकी जगह एक उल्लू का टैटू बन गया है। गलियारे के कोने में ऐसा अदृश्य अधिसूचना पैनल को ध्यान से देख रहा था, जबकि उसके हाथ में एक चांदी की अंगूठी थी। उसने एनर्जी मार्क को हटाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि यह लीप किंग को सचेत कर सकता था। होस्ट ने 43,900 टीपी मूल्य के खजाने चुरा लिए हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, चोरी की गिनती में एक निम्न स्तरीय चोरी जुड़ गई है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, निम्न स्तरीय चोरी 36। चोर अंक 152,900। एस ने भौहें सिकुड़ते हुए पूछा, सिस्टम, क्या इस अंगूठी में कोई प्रकाश जैसा खजाना है? चूंकि वह लंबी चोरी की रिपोर्ट से पता नहीं लगा सकता था, इसलिए उसने सीधे सिस्टम से पूछा। हाँ, जब सिस्टम की आवाज सकारात्मक आई तो एस के होठों पर आनंदपूर्ण मुस्कान उभर आई। चूंकि खजाना उसके हाथ में था, इसलिए अब लीप पैलेस छोड़ने का समय आ गया था, इससे पहले कि लीप किंग को पता चले कि उसकी स्टोरेज रिंग गायब हो गई है और एक उल्लू टैटू ने उसकी जगह ले ली है। कुछ ही मिनटों में एस महल के बाहर पहुंच गया और वह यहीं नहीं रुका बल्कि शहर के द्वार की ओर बढ़ गया। एस जानता था कि एक बार उसके यहाँ होने की खबर फैल गई तो दुश्मनों की पूरी भीड़ इस जगह पर आ जाएगी, और ऐसा होने से पहले ही उसे अपनी बड़ी योजना की तैयारी शुरू करनी थी। लीप पैलेस के अंदर लीप किंग एक अस्पष्ट चेहरे के साथ रानी के कक्ष की ओर टहल रहा था। आज वह अच्छे मूड में था, क्योंकि उसे अभी अभी अपने सबसे छोटे बेटे के डेमियन रॉयल इंस्टीट्यूट के अंतिम परीक्षण में पहुंचने की रिपोर्ट मिली थी। वह अपनी पत्नी रानी को यह खुशखबरी सुनाने जा रहा था और उसके साथ रात भर जश्न भी मनाने वाला था। आदत के कारण उसने अनजाने में अपनी अनामिका उंगली को छू लिया। हमेशा की तरह उसे धातु के स्पर्श की उम्मीद थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसे केवल अपनी गर्म त्वचा का ही एहसास हुआ। अंततः लीप किंग ने है रानी भरी नजरों से अपनी अनामिका उंगली की ओर देखा, और जब उसकी नजर अंगूठी पर पड़ी तो वहां एक अजीब पक्षी का टैटू था, स्टोरेज रिंग नहीं। राजा का मस्तिष्क क्षण भर के लिए काम करना बंद कर दिया। उसकी बड़ी बड़ी खुली हुई आंखें लगभग उसकी खोपड़ी से बाहर निकल गईं, जबकि उसका पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा।
इसके अगले ही क्षण राजा को भारी मात्रा में खून की उल्टी हुई और उसका चेहरा भूत की तरह राख जैसा हो गया। महाराज, स्तब्धता और घबराहट से भरी दो गड़गड़ाहट भरी आवाजें सुनाई दीं, जब काले कवच पहने दो व्यक्ति लीप किंग के पास दिखाई दिए। पहले तो उन्हें लगा कि यह हत्या का प्रयास है और उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। जब उन्होंने आखिरकार लीप किंग की ओर देखा तो वे दंग रह गए, क्योंकि राजा का चेहरा पागलपन और घृणा से विकृत था। उन्होंने पहले कभी भी लीप किंग को इस तरह शांत नहीं देखा था। वे अब और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें राजा की ओर से बर्फीली मारक भावनाएं उठती हुई महसूस हो रही थीं। उन्हें भी डर था कि अगर वे बोलेंगे तो राजा उन्हें मार डालेगा। राजा की आंखें लाल हो गई थीं जब उसने उल्लू के टैटू को गहरी मोटी घृणा के साथ देखा। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि उसने ये प्रतीक महीनों पहले देखा था, और वह जानता था कि इस प्रतीक का मालिक कौन है। वह उसे खोजने के लिए एक छोटी सी पार्टी भेजता है, लेकिन कभी सफल नहीं होता। वह कभी सपने में भी नहीं सोचता कि यह व्यक्ति एक दिन उससे यह अंगूठी चुरा लेगा और उसे जीवन भर के लिए यह प्रतीक दे देगा। सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात यह थी कि उसे पता भी नहीं चला कि उस कमीने ने कब स्टोरेज रिंग चुरा ली। उसकी जानलेवा आभा अपने चरम पर पहुंच गई। वह कर्कश आवाज में चिल्लाया और पूरे महल ने उसे सुना। वह चोर, उन दो गार्डों के चेहरे पीले पड़ गए थे, क्योंकि वे लीप किंग के सबसे करीब थे। राजा के शब्दों ने उन्हें उलझन में डाल दिया, क्योंकि उन्हें अचानक याद आया कि उन्होंने कुछ महीने पहले एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात सुनी थी। उन्होंने जल्दी से राजा के हाथ की ओर देखा, और जब उन्होंने उल्लू का टैटू देखा तो उनके चेहरे पर खून सवार हो गया। कैसे, उनमें से एक ने है, रानी से कहा। लीप किंग ने अपनी अराजक भावनाओं को नियंत्रित किया, क्योंकि वह देश का शासक था और एक शक्तिशाली पीक एनर्जी नदी साधक भी था। ऐसी बहुत कम चीजें थीं जो उसकी भावनाओं को इस हद तक झकझोर सकती थीं। हालांकि ये शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। जब उसने खजाने के बारे में सोचा और वह पूरी गति से सिंहासन कक्ष की ओर बढ़ा। हालांकि खजाना छिपा हुआ था, फिर भी वह अपने उत्तेजित दिल को शांत करने के लिए खुद को रोकना चाहता था। राजा अंततः सिंहासन कक्ष में प्रवेश करता है। जैसे ही वह अपने स्टोरेज रिंग से गठन कुंजी निकालने के लिए अपना हाथ घुमाता है, उसे क्रोधपूर्वक याद आता है कि यह कुंजी भी स्टोरेज रिंग के साथ चली गई थी। वह लगभग एक और कौर खून थूकने ही वाला था, लेकिन रानी के हाथ में एक और चाबी होने के कारण उसने खुद को शांत कर लिया। वह रानी के कक्ष की ओर तेजी से जाने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सुनहरे सिंहासन की पीठ पर पड़ी, उसके कदम वहीं जम गए। वहां सुंदर लेखन था जो वहां नहीं होना चाहिए था। उदार उपहारों के लिए धन्यवाद, मैं उन सभी को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूँ महामहिम। चूंकि मैंने महामहिम के उपहार ले लिए है, इसलिए मुझे कुछ लौटाए बिना जाने में शर्म आ रही है। मैं तुम्हें सत्य का उपहार दे रहा हूँ, और यह 100% सत्य है। इस पर विश्वास करना या न करना तुम्हारी समस्या है। सच्चाई यह है, आपकी पत्नी आपके भाई के साथ 19 साल से सो रही है, और आपका सबसे छोटा बेटा भी उनका उत्पाद है, आपका नहीं। रात से पहले अपने भाई के घर में चले जाओ, और उसके बेडरूम में तुम पाओगे कि तुम्हारी पत्नी और वह क्या कर रहे हैं। अगर तुम समझ रहे हो कि मेरा क्या मतलब है। आपका वफादार विषय, स्काई थीफ। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। लीप किंग अंततः इसे बर्दाश्त नहीं कर सका, और एस के ईमानदार संदेश को पढ़ने के बाद उसने लगातार दो बार खून की उल्टी कर दी। वह इतना क्रोधित था कि वह पागलों की तरह अपना चेहरा टेढ़ा करके हंसने लगा। उसे पता था कि खजाने के साथ भी समझौता किया गया है। सैकड़ों सालों से जमा किए गए खजाने के साथ साथ राष्ट्रीय खजाना भी एक ही दिन में खत्म हो गया। हम क्यों, हमने तुम्हारे साथ क्या किया है। लीप किंग का राग जैसा चेहरा निराशा, घृणा और पागलपन से भरा हुआ था। यह उस अविस्मरणीय तूफान की शुरुआत थी जिसे स्काई थीफ मध्य स्तर की भूमि में लाने वाला था। अगले दिन सुबह हर दिन की तरह धूप और शांति थी, लेकिन लोग दो चौंकाने वाली खबरों के कारण शांत नहीं थे। हर एक खबर एक दूसरे से ज्यादा चौंकाने वाली थी। सबसे पहले फ्लेम पिल ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा की गई, जो नाइटमेयर घोस्ट्स ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो गया। कारण अज्ञात था, लेकिन पिल फ्लेम ने घोषणा की कि जो कोई भी नाइटमेयर घोस्ट से निपटेगा उसे उनके क्रोध का सामना करना पड़ेगा। कोई भी इस चेतावनी को हल्के में लेने का साहस नहीं करता, क्योंकि वे जानते थे कि पिल फ्लेम संगठन से अलग होने का क्या मतलब था। उनकी गोलियों और हथियारों की आपूर्ति उनके द्वारा बंद कर दी जाएगी, क्योंकि सभी केमिस्ट और शिल्पकार उनके झंडे के नीचे थे। ये खबर सबसे बड़ी खबर थी कि तभी एक और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली खबर सामने आई। इससे पूरा मध्य स्तर हिल गया। ये खबर कुख्यात चोर स्काई स्टीलर के बारे में थी, जो फिर से सामने आया था, और इस बार उसने कुछ ऐसा किया जो अकल्पनीय था। स्काई स्टीलर ने पूरे लीप किंगडम रॉयल पैलेस को चुरा लिया, और लीप के राजा की स्टोरेज रिंग को उसकी नाक के नीचे से चुरा लिया। प्रथमतः कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि यह प्रथम श्रेणी का राज्य था, न कि रीगल किंगडम जैसा कोई तृतीय श्रेणी का राज्य। लेकिन जब लीप किंग ने सार्वजनिक रूप से इस दावे की पुष्टि की, तो सभी ने आश्चर्य व्यक्त किया और कई लोग असहज महसूस करने लगे, क्योंकि यदि वह चोर प्रथम श्रेणी के राज्य से चोरी कर सकता है
और एक पी क्यू नदी क्षेत्र के साधक के ठीक नीचे से भाग सकता है, तो इसका मतलब है कि वह उन्हें लूट भी सकता है और उन्हें तब तक पता भी नहीं चलेगा जब तक बहुत देर न हो जाए, बिल्कुल लीप किंग की तरह। लीप किंग ने 10 प्रथम श्रेणी राज्यों के बीच एक यूनियन मीटिंग का भी प्रस्ताव रखा ताकि स्काई थीफ को निशाना बनाने से पहले ही उसका शिकार किया जा सके और प्रतिक्रिया बहुत चौंकाने वाली थी। 3 दिनों के अंदर ही प्रथम श्रेणी के सभी राज्यों ने सहमति दे दी, यहां तक कि डेमियन राज्य ने भी, और यह बैठक 1 सप्ताह में लीप्स प्लेस में होने जा रही थी। लीप किंग ने उसी दिन एक बहुत ही चौंकाने वाली बात की। जिस दिन उसने बैठक का प्रस्ताव रखा था, उसने अपनी पत्नी रानी और अपने छोटे भाई को मार डाला। इसके अलावा यह इसका अंत नहीं था। लीप किंग ने रानी के पूरे कबीले को भी खत्म कर दिया और उसके सबसे छोटे बेटे को भी त्याग दिया। इस पागलपन के पीछे की वजह कोई नहीं जानता, लेकिन सभी को लगा कि लीप किंग पागल हो गया है और अब वह राज करने के लायक नहीं रहा। लेकिन जब लीप पैलेस से खबर लीक हुई तो सभी की राय बदल गई। इसमें कहा गया कि रानी और राजा के छोटे भाई को राजा ने व्यभिचार करते हुए पाया था और सबसे छोटा बेटा भी उसका नहीं था, बल्कि राजा के छोटे भाई से पैदा हुआ था। उसके बाद सभी ने सोचा कि राजा का कार्य बहुत उचित था और कोई भी उसे पागल नहीं कहता था। इन सभी चौंकाने वाली खबरों के बावजूद स्काई स्टीले की उपस्थिति शीर्ष पर आ गई और वह दूसरों की नजरों में और भी रहस्यमय हो गया। बहरहाल, चोर का ठिकाना उजागर हो गया था और वह प्रथम श्रेणी की भूमि में था और वह किसी से डरता हुआ नहीं लग रहा था। कुछ लोग उसे पतित कहते थे, कुछ लोग उसे मुक्तिदाता कहते थे, कुछ लोग तो उसे न्यायाधीश भी कहते थे, क्योंकि वह केवल सत्ता में बैठे लोगों से ही चोरी करता था। लेकिन ऐसे लोग संख्या में बहुत कम थे और उनमें से अधिकांश निम्नतम सामाजिक वर्ग से थे। कई गरीब युवा या सिस्टम द्वारा अन्याय के शिकार लोगों ने स्काई स्टीलर की नकल करने की कोशिश की, लेकिन उनके पास कौशल नहीं था और वे गार्ड द्वारा पकड़े गए। जो सफल होते हैं वे अपने पीछे निशान छोड़ जाते हैं और मौत से भी बदतर स्थिति में पहुंच जाते हैं। उच्च पदों पर बैठे लोगों ने इन छोटी घटनाओं को तुरंत छिपा लिया। हालांकि अब सत्ता में बैठे सभी लोग बता सकते हैं कि अगर किसी ने स्काई थीफ को नहीं रोका तो परिणाम बहुत खतरनाक और अकल्पनीय होंगे।